हाँ तो फ्रेंड्स, हम पहले इसी सवाल पर बात कर लेते हैं। मेंस की परीक्षा, जो हम मेंस की परीक्षा देंगे, तो सर जब आप मेंस की परीक्षा लिखोगे, मेंस मेंस की परीक्षा में क्या क्या होता है, शायद सबको एहसास होगा इस बात का कि मेंस की परीक्षा में क्या होगा। और मेंस का एग्जाम, जैसे इसका नाम है, तो मेंस सबसे महत्वपूर्ण ही होता है। मतलब मेंस मतलब मेंस ही है, वो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा इस पूरे एग्जाम का जो है वो मेंस है। क्यों मेंस है? क्योंकि आपके यूपीएससी के कुल अंकों का अधिकांश हिस्सा इसी से आ जाता है। प्री तो केवल क्वालिफाइंग है, प्री आपकी एंट्री है, एक खास सर्कल है, एक घेरा है, ठीक, इसमें आपकी एंट्री है। पर ये एंट्री भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे विचार से जब तक एक स्टूडेंट प्री के लायक ना बन जाए, मतलब तो उसे या तो क्लियर कर ले या बिल्कुल ऑन दी वर्ज ऑफ क्लियरेंस हो, इन दोनों स्थितियों में उसे मेंस पर मूव करना चाहिए। नहीं तो पहले उसको फोकस करना चाहिए प्री पर। बहुत सारे बच्चे हैं, कोई ऑप्शनल की तैयारी करना चाहता है, मैं ऑप्शनल क्या लूँ? बिल्कुल सही है, ऑप्शनल ऑप्शनल लेना इतना बड़ा चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि अब के समय में, पहले ये थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, पर अब क्योंकि यूपीएससी ने एक ही ऑप्शनल कर दिया है, ओनली वन। और ओनली वन ऑप्शनल होने के कारण क्या फायदा होता है कि हमें जो है अपना जो सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारे पास लेट्स से हिस्ट्री है, किसी के पास पॉलिटी होगा, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा हो जरूर मिलेगा आपको, जो आपने जो विषय आपने अपने कॉलेज में अपने मास्टर्स के दौरान पर पढ़ा होगा, तो जो विषय आपने उस समय पढ़ा है उसे आप ले लीजिए और आगे बढ़िए। तो ये महत्वपूर्ण है। प्री के लिए आप उस समय पहले सबसे पहले तैयार करिए। प्री की अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो आप मेंस की तैयारी कर ही नहीं सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। प्री मेंस मेंस प्री के बिना आगे बढ़ नहीं सकता। कोई अगर ये सोचे कि वो प्री को जंप करके मेंस की तैयारी कर सकता है तो संभव नहीं है, क्योंकि मेंस एक रिटर्न एग्जाम है, लिखित एग्जाम है। इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? चार पेपर आपके हैं जनरल स्टडीज के, ठीक है, GS1, GS2, GS3, GS4, जिसमें लगभग एक एथिक्स के पेपर को अगर छोड़ दूँ तो लगभग सारी चीजें वो होंगी जो हम प्री के समय पर तैयारी कर रहे हैं। अभी हम सारी जितनी ये चीजें पढ़ रहे हैं ना, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, तो सवाल आएगा भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, आपको लिखना है, ठीक है। भारत में फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। संविधानवाद या एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में अंतर क्यों होता है, भारत में न्यायपालिका का उद्भव कैसे हुआ, कुछ भी सवाल ऐसा आएगा, जो भी सवाल आएगा, ये सब सवालों के जवाब कहाँ मिलेंगे आपके, आपने जो प्री में पढ़ाई करी है। प्री में जो हम ये पढ़ते रहते हैं, रोज खोल के एक बैठ जाते हैं, चर्चा करते रहते हैं, तो जो मेंस के सवालों के जवाब हैं, ओरल जवाब, जो मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जिसके आधार पर आप उसे लिखोगे, वो जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, प्री की तैयारी से मिलेगी, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, चार पेपर के बाद दो पेपर आपके 250-250 नंबर के होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको कोई सा भी एक सब्जेक्ट, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जितने भी ग्रेजुएशन हैं वो काफी सारे कवर किए जाते हैं, तो
तो दो पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं, ये 250 नंबर के कुल 500 नंबर हो जाएंगे, ये 1000 नंबर हो जाएंगे। फिर एक आएगा आपका एसे, एसे भी 250 शब्द का, 250 का ही होता है, पहले हमारे समय में कम का होता था, पर आप लोगों के समय में ये भी 250 का ही होता है, 250 का होता है ना? यस सर, यस सर। और ये एसे भी वही आएगा जो हम प्री में अभी तक पढ़ रहे हैं, एक एनवायरनमेंट पर एसे आ जाएगा, एक पॉलिटिकल सिचुएशन पर टॉपिक रहता है, और एक जनरल रहेगा, तो मतलब 3-4 विषय, और ये सारे विषय वो विषय होंगे ऐसे के विषय जो हमारे और ये प्री की तैयारी में से निकल के आएंगे। जब हम प्री की तैयारी कर रहे हैं तो हम लगभग उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सारे पेपर, इसको थोड़ा सा अगर मैं किनारे कर दूँ ऑप्शनल को, जिसकी तैयारी आपको अलग से करनी है, वैसे इसमें भी कुछ अलग नहीं है, ये भी काफ़ी हद तक अगर आप पॉलिटी हिस्ट्री जो मतलब जनरल ऐसे सब्जेक्ट लेते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट वो होंगे जो हम अभी पढ़ रहे हैं। अगर आपने कोई विशेष सब्जेक्ट ले लिया, आपने सब्जेक्टिव ले लिया, इंजीनियरिंग ले लिया, लिटरेचर लिया, या तो फिर मेडिकल साइंस लिया मेरी तरह से, या फिर कोई भी और सब्जेक्ट, बॉटनी टाइप ऐसा कुछ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं, तो अगर ऐसा सब्जेक्ट, और अगर आप ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इसे कर लूँगा। ठीक, ये एक कहानी हो गई यहाँ तक कि हमें, तो हम इस कहानी को तो हटा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते हैं, ना मैं इसके बारे में एक्सपर्ट हूँ कि आपको ज़्यादा सलाह दे सकता हूँ, मैं सलाह दे सकता हूँ आपको। और लास्ट में इंटरव्यू भी अगर मैं जोड़ दूँ, इंटरव्यू मैंने नहीं लिखा था, 1250 नंबर और 275 नंबर का इंटरव्यू, जिसके आधार पर फाइनल मेरिट बनती है। तो कुल कितने नंबर मिल गए? 1250 और 1525। अभी जो रिजल्ट आया उसमें टॉपर को कितने नंबर मिले? शुभम कुमार है सर टॉपर, लेकिन नंबर नहीं आता सर, मार्क्स अभी नहीं दिखा रहा, मार्क्स अभी जारी नहीं हुए। नहीं नहीं, पिछले साल, उससे पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ये तो इस साल का बता रहे हो आप, इस साल का 50% मेरे के 51%, तो 51% या 50% कितना हुआ होगा, 2075 का 50% बताओ। मोटा मोटा 1050 नंबर, थोड़े से 50 से ज्यादा है, टॉप पर को 1050 नंबर मिला होगा। कट ऑफ पता है किसी को, सिलेक्शन का कट ऑफ कितना रहा? 750 होगा सर, 750-800 के बीच में ही कट ऑफ जा रहा है आजकल, हमारे टाइम में ज्यादा था, अब कट ऑफ कम हो गया, कट ऑफ रह गया 750-800। 1525 तो नंबर केवल इन दो सब्जेक्ट के हैं, इसके अलावा ऑप्शनल के नंबर अलग हैं आंसर। तो इन 1525 में से आपको कितने नंबर लाने हैं? अगर टॉपर बनना है तो 1000 नंबर से ज़्यादा नहीं आना, आपकी फ़ोटो छपेगी, हर कोई आपके पीछे भागेगा कुछ दिन तक, तो बड़ा नाम हो जाएगा आपका, बड़े फेमस हो जाएंगे। पर अगर चलो नहीं, आप उतना फेमस नहीं बनना चाहते, बट ये कि हाँ जो जीवन का उद्देश्य है वो पूरा करना चाहते हैं, जो कुछ आपने कहा कि मैं समाज में बदलाव के लिए काम करना चाहता हूँ, ज़्यादातर ने कहा था, ठीक है, अपने माता पिता की एम्बिशन को पूरा करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ जीवन में, कुछ हासिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उन सारे लोगों को भी इसके आधे नंबर की जरूरत है। 1525 नंबर तो इसमें से आ गए, 500 नंबर ऑप्शनल में से भी आएंगे, तो आपको कितने 40% के प्लस नंबर चाहिए, दोनों के अगर मैं जोड़ दूं तो इतने नंबर आपको प्राप्त करने, ये प्राप्त किए जा सकते हैं।
पर ये इतने आसान भी नहीं है, लगते कम हैं पर ये यूपीएससी नंबर बहुत ऐसे देती है, रो रो कर देती है, ऐसे नहीं देती, थोक के भाव नहीं देती। आप 20 पेज लिख के आओगे आपको 10% नंबर पकड़ा देगी। ठीक है, आपको प्रिसाइज लिखना है, जो वो चाहते हैं वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ये सब उसके अपने नियम हैं जिनको वो आपसे फॉलो करना चाहते हैं। जनरल अगर मेंस में लिखने की शैली की बात करूं तो अलग अलग GS1 GS2 वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पर मेंस में लिखने की शैली, तो लिखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या होगी आपको? कोई भी प्रश्न पूछा गया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो इसके लिए ये प्रश्न का आंसर करने के लिए सबसे पहली चीज की क्या आवश्यकता है? आंसर पता होना चाहिए। सबसे पहले फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारी होनी चाहिए, तथ्यात्मक जानकारी, हमारी सटीक तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए, तथ्यात्मक तथ्य पता होने चाहिए। जैसे राष्ट्रवाद के बारे में मान लो लिखना है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्या क्या पता होना चाहिए आपको? सर इसके बारे में सबसे पहले सर कांग्रेस से स्टार्ट करें, क्यों कांग्रेस ने इसका मुद्दा उठाया था सर राष्ट्रवाद के बारे में, वहां से स्टार्ट करके सर लिख देंगे। नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ इसी सवाल को, इमेजिनरी सवाल को लिखते हैं क्योंकि हम पढ़ भी रहे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इसे लिखोगे तो क्या कर कैसे हुआ, हम ये सवाल आया सर। राष्ट्रवाद का मतलब नेशनलिज्म ना? हाँ। हेलो सर, सर सर इसको ऐसा नहीं लिख सकते सर, जैसे इसके बारे में फैक्चुअल, जैसे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ था, फलस्वरूप भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ, भारतीय राष्ट्रवाद कुछ सीमा तक उपनिवेशवादी नीतियों तथा उनके नीतियों से उत्पन्न भारतीय प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उभरा था। कुछ चीजें इसमें ले सकते हैं। सबसे पहले देखो, जब कोई भी सवाल है तो इस सवाल को समझते हैं, ठीक है? अगर हम जब सवाल को लिख रहे हैं, जवाब लिखने से पहले सवाल को समझ लेते हैं। सवाल को समझना बहुत जरूरी है, यूपीएससी में सवाल को एग्जैक्टली लिखना जरूरी है। आप अगर ऐसा लिखिए ना, गोलमोल कुछ कुछ लिखेंगे तो वो काम चलेगा। पहला क्या पूछ रहा है वो, भारत में राष्ट्रवाद, तो मेरी समझ से हमें सबसे पहले यहाँ लिखना चाहिए राष्ट्रवाद, बहुत मतलब यहाँ पे जो चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए, राष्ट्रवाद होता क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म। फिर भारत में पहले राष्ट्रवाद नहीं था, क्योंकि वो उदय की बात कर रहा है, भारत के कंटेक्स्ट में उदय में क्या क्या परिस्थितियां काम करी। सर एक मिनट सर, इसमें तो लिख सर वो सन में सर डेट भी डालना पड़ेगा सर? बिल्कुल डालना पड़ेगा, तभी तो कह रहा हूँ मैं, तो एक जनरल लेआउट अभी बना रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें क्या लिखना चाहिए, भारत मतलब राष्ट्रवाद होता क्या है, व्हाट इज राष्ट्रवाद। जब तक मैं ये नहीं लिखूंगा तो मैं उस पर क्लियर नहीं होऊंगा। फिर ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि उदय की बात कर रहा है और ये सब कुछ बहुत 2-3 लाइनों में ही खत्म करना होगा। टोटल फेडरल सिस्टम सर, ये 1857 के विद्रोह के बाद राष्ट्रवाद के बारे में लोग बाद में अंतर है सर, 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। नहीं जी, किसने कहा ये 1885 की तारीख आपको कहां से मिली? सर इस पे क्वेश्चन आया हुआ था सर, मतलब उसको मतलब राष्ट्रवाद कोई एक ऐसी चीज नहीं है ना कि उस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग किस दिन हुई, आप बता सकते हो? राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद का जो विकास था सर। हाँ नहीं, अगर ये बताओ, मैं ये कहूँ 1857 का उसमें कोई वो नहीं है, रोल नहीं है? रोल है सर उसका, तो फिर बड़ा रोल है, बहुत बड़ा।
आपने तो कह दिया, पहले कह दिया 1885 से लेकर 1905 तक कोई राष्ट्रवाद एक चीज नहीं है कि हमने उसे एक बीज बोया और उसमें से निकल आया। राष्ट्रवाद इज अ प्रोसेस, नेशनलिज्म इज अ प्रोसेस, हमारे अंदर एक राष्ट्र की फीलिंग होना। अब सबसे पहला तो ये सवाल बताओ राष्ट्रवाद होता क्या है, कौन बताओ? सर एक सर इसमें एक क्वेश्चन है, सारे मतलब सारे स्टेट्स को मिला के एक कंट्री, नहीं वो संघवाद है, आप उसमें कंफ्यूज कर रही हो। संघवाद और राष्ट्रवाद अंतर है। कोई यहाँ पर जहाँ पे सोशल इंक्लूजन हो, पॉलिटिकल सोशल इंक्लूजन भी अलग चीज हो गया, समावेश। राष्ट्रवाद सर, राष्ट्रवाद सर अपने देश के लिए वो उसका मान एकता और वो प्रतिष्ठा के लिए होना, वो राष्ट्रवाद। हम बताएं सर, हाँ जी हेलो सर, सर लोगों को राष्ट्र के जैसे राष्ट्रवाद सर राष्ट्रवाद की जो हेलो सर हाँ बोलो सर, राष्ट्रवाद मतलब एक ऐसे जन समूह के रूप में की जाती है जो कि एक भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहता हो, समान परंपरा समान हितों तथा समान भावनाओं से बंधा हो, जिसमें एकता के सूत्र में बांधे की उत्सुकता तथा समान राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पाई जाती हो। राष्ट्रवाद के निर्णायक तत्वों में राष्ट्रीयता की भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सर। वेल डन सर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नहीं नहीं ये सब अलग, आइसोलेशन में मत देखो। देखो नेशनलिज्म इटसेल्फ इज अ फिनोमेना, ठीक है। संघवाद अलग चीज है, एकता अलग चीज है। उसने कई चीजें बोली, कई महत्वपूर्ण चीजें बोली आपने, जो उन्होंने डेफिनेशन सुनाई, दोबारा सुनाओ सबको, बताओ एक बार फिर से। सर मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसे जन समूह के रूप में की जाती है जो कि एक भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहता हो। धीरे धीरे दोस्त, धीरे धीरे मैं लिख देता हूँ। सर ऐसे जन समूह राष्ट्रवाद एक ऐसे मतलब जन समूह के रूप में की जा सकती है जो कि एक भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहता हो, समान परंपरा समान हितों समान भावनाओं से बांधा हो, जिसमें एकता के सूत्र में बांधने की मतलब उत्सुकता तथा समान राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पाई जाती हो। राष्ट्रवाद के निर्णायक तत्वों में राष्ट्रीयता की भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीयता की भावना किसी राष्ट्र के सदस्यों में पाई जाने वाली मतलब सामुदायिक भावना है जो उनका संगठन मतलब सुदृढ़ करती है। देखो कई सारी कॉमन चीजें हैं, नेशनल नेशन को डिफाइन करना आसान नहीं है, आप इनमें से किसी एक चीज से उसे डिफाइन नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ ग्रुप, इट्स नॉट अ ग्रुप। ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता, राष्ट्र तो हम ज्योग्राफिकली तो हम एक साथ हमेशा से थे, बहुत समय से थे, भारत तो यानी कि बहुत पहले ही राष्ट्र बन गया था, ऐसा नहीं है। नंबर एक, जैसा उन्होंने कहा कि एक जन समूह है, एक समान जन समूह है। अब जैसे भारत को अगर बाउंड्री को ध्यान करो तो भारत एक बाउंड्री के अंदर में एक जनसमूह था, ठीक है, परंतु ये जनसमूह एक नहीं था, इसकी एक कॉमन भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। अब भारत में जनसमूह है, उसकी एक भौगोलिक जनसीमा है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से बंधा हुआ है, पर उस बाउंड्रीज के अंदर भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं। एक तरफ समुंदर है, ऊपर की तरफ पहाड़ है जिसको आसानी से पहाड़ पार नहीं किया जा सकता, तो उस सीमा से आपस में बंधा हुआ है, उसकी समान परंपराएं बोली और वैल्यू सिस्टम कॉमन है, एकता की यूनिटी की कोशिश। अब जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये एकता की कोशिश और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं वो कॉमन होनी चाहिए। तो नेशन का कंसेप्ट, राष्ट्र का कंसेप्ट एक मतलब समझने में आसान है, हम एक देश हैं, समझाने में ये मुश्किल कंसेप्ट है। ये कई सारी चीजों से मिलकर बनता है, ये कई चीजें मिलकर हम जो है राष्ट्र बनता है। इसीलिए भारत पहले एक, इसका माइक्रोफोन ऑन है भैया, तो पहले भारत एक राष्ट्र नहीं था, ठीक, भारत का के अंदर वो राष्ट्रीय विचार नहीं था जैसा होना चाहिए, पर बाद में वो एक राष्ट्रीय विचार के अंदर तब्दील हुआ। अब सवाल यही है कि वो जो राष्ट्रीयता का विचार है
वो कैसे बना, क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण वो विचार राष्ट्रीयता के विचार में तब्दील हो गया, ये इस पर हमें लिखना है। इसे हमें उसे बताना है कि भैया ये राष्ट्रवाद का विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ। अब अगर राष्ट्रीयता के बारे में, भारत के राष्ट्र के बारे में लिखना है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है एक बड़े लंबे समय से एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री से निश्चित रूप से बना हुआ है और कुछ हद तक यहाँ की भाषाएं परंपराएं एक हद तक ओवरलैप करती हैं, परंतु फिर भी भारत की परंपराओं में बहुत विविधता भी है। ठीक है, बंगाल में जाओगे आपको बिल्कुल अलग सोशल सिस्टम, भाषा, कल्चर, भगवान सब कुछ अलग है। तमिलनाडु में जाओगे वहाँ सिस्टम अलग है, गुजरात में जाओगे सिस्टम अलग है, ऊपर जम्मू कश्मीर पंजाब में जाओगे सिस्टम अलग है। तो यहाँ पर ये सिस्टम जो है यूनिफॉर्म नहीं है, समान नहीं है, पर कोई ये कहे कि हम असमान है ये भी नहीं कह सकते। हम बंगाली नहीं बोलते पर फिर भी कई चीज़ें हमारी बंगाल के साथ ओवरलैप करेंगी। अगर हम एक फ्रांसीसी व्यक्ति को ले आए तो हमें पता चलेगा कि हम बंगाल के साथ कितने दोस्त हैं, या हम मैं और एक तमिल साथी या केरलाइट फ्रेंड हमारे जो है, हम चले जाए विदेश में, जब हम विदेश में जा जाते हैं तब हमें वो केरल वाला व्यक्ति काफ़ी हद तक अपने जैसा दिखाई देने लगता है, कपड़ा लत्ता पहनने में, बोलचाल में, थोड़ा बहुत भगवान वगैरह को मानने में। तो जो सोशल सिस्टम है वो एक हद तक एक भी था पर अलग भी था। हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ज्यादातर समय एक नहीं रही, राजनीतिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम हमारा एक नहीं रहा। ठीक है, हमारे अंदर में देश में छोटे छोटे राज्य, ये राजपूताना है, ये अंबेर है, ये मारवाड़ है, ये मारवाड़, ये मेवाड़ है, ये ग्वालियर घराना, ये इंदौर और ये फलाना, ये ढमकाना, ऐसे हजारों की संख्या में हमारे छोटे 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 हम राज्यों में राजनीतिक यूनिट में, पॉलिटिकल यूनिट हम अधिकांश समय पर, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए जैसे मुगल काल में, गुप्त काल में, इसमें हम एक कॉमन यूनिट बने, अन्यथा हम एक कॉमन यूनिट नहीं थे। तो हमको इन सब से निकल कर हम राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़े। ठीक है, और ये राष्ट्रवाद में एक चीज और हम भूल गए, आधुनिक राष्ट्रवाद में, क्योंकि राष्ट्रवाद अपने आप में एक आधुनिक कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रवाद एक आधुनिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम उसे आधुनिक भारत कहते हैं, जिसमें कि जो हमने कुछ वैल्यूज, इसमें कुछ मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रवाद में बहुत महत्वपूर्ण है मूल्य, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बहुमूल्य है हमारी राष्ट्रवाद को, राष्ट्र को निर्मित करने के लिए बड़ा कीमती है हमारा ये काम। क्या काम? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये आधुनिकता का एक नया कॉन्सेप्ट है, जो अगर आप इसका हिस्टोरिकल थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देना चाहें दे सकते हैं, पर 250 शब्दों में आपके पास ये लिबर्टी होगी नहीं कि आप ज़्यादा चीज़ें लिख पाएं, परंतु कहीं ना कहीं आपको कम शब्दों में राष्ट्रवाद का थोड़ा सा वो समझाना होगा कि आखिर राष्ट्रवाद है क्या। अब जब राष्ट्रवाद को आपने समझ लिया, तब आपको ये समझाना होगा कि भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसमें आप ये कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा यूनिफाई कर देने के कारण, ठीक है, अंग्रेजों ने भारत को क्या बना दिया, एक वन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एक प्रशासनीय इकाई, जिस एक इकाई किसने बनाया, अंग्रेजों ने हमें एक इकाई में कन्वर्ट कर दिया। टेलीकम्युनिकेशन, तार, टेलीग्राफ, रेलवे, इन्होंने हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया, हम एक प्रशासनिक इकाई बन गए। रेलवे आ गया, टेलीग्राफ आ गया, राजनीतिक विचार आ गए। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक विचार आने लग गए कि राष्ट्र बनना चाहिए। जब ये सब आइडियाज आए
तो 1885 में उससे पहले भी कुछ लोगों ने प्रयास किए, पर जो संगठित प्रयास हुआ वो हुआ 1885 में। और एक एलियन रूल, ठीक है, एक विदेशी शासन ने इसके लिए माहौल और मजबूत किया हमें एकजुट करने में राष्ट्रवाद ने। और उसके बाद थोड़ा सा आप तो आपको कुल मिला के क्या लिखना होगा इस सवाल में, राष्ट्रवाद होता क्या है बहुत थोड़े शब्दों में, राष्ट्रवाद कैसे भारत में नहीं था, या अगर ये नहीं लिखना चाहते तो सीधा ये लिखिए कैसे भारत में राष्ट्रवाद आया, भारत कैसे एक यूनिफाइड यूनिट बना, कैसे रेलवे टेलीकम्युनिकेशन अंग्रेजी शासन ने इसको ना चाहते हुए भी एक सूत्र में बांध दिया, लोगों को एक सूत्र में बांधा। और अंत में जो विदेशी शासन था, जो औपनिवेशिक शासन था, उसने हमें जो है एकजुट कर दिया, एक साथ ले आए वो हमें। और वो एक साथ आ जाने के कारण, एक साथ हो जाने के कारण अब हमने ये तय किया कि भाई अब हम जो है इस चीज से मुक्ति प्राप्त करेंगे। हम जब एकजुट हो चुके थे तब हम उस एकजुटता से हमने नए नए आधुनिक आइडियाज को पढ़ा और वो किया। थोड़ा सा कांग्रेस को मेंशन करिए, 1947 तक लाइए और कंक्लूड कैसे करेंगे, खत्म कैसे करेंगे, इसको खत्म करने के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि भारत जो है अभी भी उसमें राष्ट्र बन चुका है काफी हद तक, पर अभी भारत एक यंग नेशन है, इंडिया इज अ यंग कंट्री, स्टिल वी नीड टू मैच्योर अवर सेल्फ एज अ कंट्री एज अ नेशन। अभी भी हमारे को अपने सिस्टम को मैच्योर करने की, उसको और मजबूत करने की, पकाने की, क्यों पक जाए मैच्योर हो जाए तो मैच्योर होने की आवश्यकता है, तब हमारा ये राष्ट्रवाद जो है पूरा होगा। तो हमारे को यूपीएससी में जब भी कोई सवाल करना है तो यूपीएससी मेंस में जब आप सवाल कुछ भी करोगे, आपको सबसे ज्यादा जोर किस पे देना है, प्रश्न पर, सवाल पर सबसे ज्यादा जोर, ठीक है, सवाल को सबसे ज्यादा पढ़ो, बार बार पढ़ो। फिर भी कर सकते हैं क्या चीज, जैसे सर यूरोप में नेशनलिज्म और सर भारत में, सर इसको कंपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, देखो ये भी ध्यान रखो, यूपीएससी ना ये भी चाहती है आप 250 वर्ड ही लिखो आपका सारा आंसर। ये टॉपिक, कोई भी टॉपिक ऐसा होता है यूपीएससी में जिसमें आप लंबे लंबे ऐसे लिख सकते हो। अब राष्ट्रवाद में उदय पर अगर आप लिखने की बात करोगे तो 10-15 पेज एक एवरेज आदमी लिख देगा, और अगर कोई एक्सपर्ट है तो किताब लिख देगा इस विषय पर। ये किताब लिखने लायक विषय है कि इंडिया इज नेशन मेकिंग, अगर इंडिया इज नेशन इन मेकिंग देन वी कैन राइट अ बुक ऑन दिस, बट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग 250 वर्ड्स, केवल 250 शब्द। तो इस पर लिखा बहुत कुछ जा सकता है, परंतु आपको केवल वही लिखना है जो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल रिक्वायर्ड है, आपको केवल वो लिखना है। और ये एक आर्ट है, ये एक कला है कि कैसे आपको प्रसाइज वही सोचना है। और उसके लिए क्या करना है, आपको अपने सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जितने बार आप सवाल को पढ़ेंगे, जितने ध्यान से आप सवाल को पढ़ेंगे तो आप सवाल के टुकड़े टुकड़े करेंगे, मेल्स तभी लिख सकते हैं जब हमें उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हो। बिल्कुल, ये इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि देखो भाई प्री बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्री में फोकस नहीं कर रहे हो, जानकारी में फोकस नहीं कर रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब ये सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज राष्ट्रवाद। नंबर एक, भारत में, मतलब अगर वो कह रहा है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि भारत में क्या राष्ट्रवाद नहीं था, आपको ये सवाल भी एड्रेस करना पड़ेगा। राष्ट्रवाद क्या होता है, क्या राष्ट्रवाद नहीं था, और उदय के क्या कारण हैं, और फिर उदय का प्रोसेस, बस आई थिंक इतना बतेरा है। तो हमें पहले लिखेंगे राष्ट्रवाद मोटा होता क्या है, क्या भारत में राष्ट्रवाद का उदय नहीं था इसका लिखेंगे,
भारत में उदय के क्या कारण थे और भारत में उदय का क्या प्रोसेस था, ये सारी चीजों को हमें 250 वर्ड में लिखने हैं। 250 वर्ड में एक लाइन में आदमी 7-8-10 शब्द तक लिख देता है, जो 7-10 शब्द के बीच में आदमी लिख लेता है। तो अगर मान लेते हैं एवरेज 8 शब्द आप लिख रहे हो, 250 से भाग दो इसको, लगभग 30 लाइनें लिखनी है, ओनली 30 लाइन्स। तो आप क्या करोगे, 30 लाइन में 4 लाइन राष्ट्रवाद क्या था, 3 से 4 लाइन राष्ट्रवाद क्या होता है, फिर 3 लाइन क्या नहीं था, था या नहीं था, कैसे नहीं था, ज्यादा नहीं लिखना है इसे, पर बहुत ब्रीफ से कि मतलब स्थिति क्या थी, ऐसे लिखिए। फिर यहाँ पर कारण पे थोड़ा सा ज्यादा काम करते हैं, लेट से कारण पे 8-9 लाइन लिख देते हैं कारण, और इतनी ही 8-9 लाइन लिख देते हैं हम प्रोसेस, और फिर लास्ट में 3 लाइनों में हम इसे क्लिंच कर देते हैं मौजूदा स्थिति, हो गई 30 लाइन। अब ये जो 3 लाइनें लिखने में कोई टाइम नहीं लगेगा, जैसे इन्होंने जो राष्ट्रवाद की परिभाषा ही बनाई बताई है, उसको जब लिखोगे 3 लाइन तो परिभाषा में खत्म हो जाएगा, तो आपको उसे भी छोटा करना है, वो भी सारी की सारी कहानी नहीं लिखनी है, पर उसके सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करना है। इस काम में एक और चीज कर सकते हैं आप, बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल कीजिए। बुलेट पॉइंट से क्या फायदा होता है, बुलेट पॉइंट समझते हैं ना आप चीजों के, जैसे हमने उन्होंने इम्पोर्टेंट चीज, हाँ, तो राष्ट्रवाद के मुख्य अंग होते हैं, मुख्य वो है ये 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 ये, वर्ड्स में लिख देते, तो हमारे शब्द कम इस्तेमाल होते हैं और हमारी लेखन शैली की जो गलतियां हैं वो भी उजागर नहीं होती। तो बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से वो इजी भी हो जाता है टीचर के समझने के लिए, वो देखेगा। अगर डायग्राम बना सकते हैं कहीं पर तो डायग्राम बना दीजिए, बहुत बढ़िया रहता है डायग्राम बनाना। कहीं ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, कुछ भी बनाइए, ठीक है, पिक्चर बनाइए, जो भी बनाना चाहते हैं अगर बना सकते हैं, बहुत कोई जरूरी नहीं है कि हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पर वो समझ आना चाहिए कि ये बच्चा ये बनाना चाहता है। तो ये कुल मिलाकर हमारे जो है मुख्य प्रोसेस होता है। अब अगर आपका कोई सवाल है मेंस के पेपर पर, मेंस में क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो आप लोग मुझसे अभी पूछ सकते हैं। हेलो सर, yes, सर सर मेंस की तैयारी के दरमियान, हेलो हेलो सर, सर मैं पूछ रहा था कि हम मेंस के जो आंसर, सर एक एक करके पूछिए, ठीक रहेगा सर। सर मेरा क्वेश्चन था सर, हेलो सर, हेलो सर, हाँ पूछो सर। सर एक क्वेश्चन आया था सर मेंस में सर, मतलब 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रवाद का मतलब सेसो काल था, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस काल में राष्ट्रवाद की धरती को सींचा तथा उसमें गहरे तक राष्ट्रीयता के बीज बो दिए, टिप्पणी करें सर। इसका स्टार्टिंग में सर, जैसे इसका मतलब स्टार्ट करेंगे सर, तो सबसे पहले इसमें भूमिका देंगे सर। हाँ, इसमें भूमिका देंगे और 1885 से थोड़ा और पहले चले जाएंगे, इसकी बैकग्राउंड देंगे कि हम 1885 में, वही जैसे मैंने राष्ट्रवाद की जो बुनियादी भूमिका है, जब वो कह रहा है शैशव काल था, मतलब कि वो उसमें था, तो हमें थोड़ा सा जरूर टच करना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद क्या होना चाहिए और भारत में वो कैसे वो मिसिंग था, और इस बात को हमें बहुत कम शब्दों में लिखना है, 3 से 4 शब्द। 1885 से नीचे उधर नहीं जाएंगे, जैसे आप जो प्रश्न पिछले वाला राष्ट्रवाद वाला, बिल्कुल पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, इन जनरल सेंस, कोई हिस्टोरिकल सेंस में नहीं, पर पीछे जाने का मतलब ये होगा कि आपको राष्ट्रवाद की मोटी मोटी परिभाषा देनी पड़ेगी कि भाई राष्ट्रवाद होता क्या है, क्योंकि आप चाहे तो शैशव राष्ट्रवाद कहें तभी तो बता पाएंगे। वो ये कहना चाहता है कि 1885 से लेके 1905 तक बस राष्ट्रवाद का जन्म हो रहा था, बिल्कुल पैदा ही हुआ था, वो बिल्कुल बच्चा था, पैदा हुआ 85 में, लेट से मान लीजिए डेट की भाई पैदा हो गया 85 में, तो वो पैदा बस हुआ था। तो पैदा होने से पहले आपको ये देना पड़ेगा कि भाई होता क्या है, वो कैसे हम उसे कह सकते हैं कि पैदा होना हो रहा है। तो ऐसे में हम ये देखिए समझने की बात करें तो हमने क्या क्या बिंदु बनाए थे कि राष्ट्र में एकता होनी चाहिए, एकता मतलब सब लोग एक विषय पर, बाकी चीजों में ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और ये सब तो अंग्रेजों ने कर दिया, पर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं
कॉमन एस्पिरेशंस हैं। कॉमन एस्पिरेशन राष्ट्रवाद में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि हमारी सबकी कॉमन एस्पिरेशन होनी चाहिए। पहले कॉमन एस्पिरेशंस नहीं थी, राजपूताना अपने लिए अलग चीज चाहेगा, ग्वालियर अपने लिए अलग, अवध अपने लिए कुछ और, राजनीतिक एस्पिरेशन एक नहीं थी। पर जब 1885 की बात करें तो जो राजनीतिक एस्पिरेशंस की एकता, राजनीतिक आकांक्षाओं की एकता होनी शुरू हो गई थी, लोगों ने समझना शुरू कर लिया था कि ये साम्राज्यवाद खतरनाक चीज है, ये साम्राज्यवाद हमारे देश को गरीब बना रहा है, ये साम्राज्यवाद हमें हमारे जो जो परेशानियों का कारण है ये साम्राज्यवाद है। तो साम्राज्यवाद जो विदेशी शक्ति है इनके महत्व को हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कैसे हमारी राजनीतिक आकांक्षाएं एक होनी शुरू हुई। हमने मांग करनी अलग अलग शुरू की, फिर बाद में 1905 आते आते हमने कॉमन भारत के अंदर में बंगाल का विभाजन का आंदोलन शुरू हुआ। अब 1905 में भी ये देखो कि बंगाल के विभाजन के सवाल पर ये सबसे बड़ा सवाल हो गया कि इस आंदोलन को बंगाल में रहना चाहिए या बंगाल से बाहर जाना चाहिए, इसी मुद्दे पे तो लड़ पड़े थे। तो ये तो समय के जो जो शैश्व काल, इसीलिए उसको बोलते हैं कि अभी जो हमारी राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, जो कॉमन आकांक्षाएं हैं, जो वो अभी एक नहीं हुई थी, अभी उन्हें एक होना बाकी था। अगला सवाल, निगेटिव और मतलब सकारात्मक और ये नकारात्मक दोनों बात टिप्पणी करने वाले में लिखना होता है सर। सकारात्मक और नकारात्मक, देखो जहां तक हो नकारात्मक बातों से अपने आप को बचाओ, कहीं कहीं आपको मेंशन करना है, पर अगर कोई चीज हमारे लिए देश के लिए नकारात्मक है तो उसे कहने से बचो। जैसे कि हम बहुत सारी नकारात्मक बात कर सकते हैं कि हमारे देश में बहुत बुरा हाल है, बहुत सारी चीज़ें खराब है, ये ठीक नहीं होता है, वो ठीक नहीं होता, परंतु एज अ पब्लिक सर्वेंट, एज अ थिंकर, एक विचारक के तौर पर हमें इनसे ऊपर होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जो कमियां होती हैं हर व्यवस्था में, हर समय, हर जगह पर होती हैं, हमारा जो प्रयास होना चाहिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक होना चाहिए। तो हमें कोई भी चीज़ लिखते समय सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को मेंटेन करते हुए लिखना होता है। ठीक है, ये तो सब लिखने की बात है, हाईलाइट नहीं करना है। काफी बार उसको अगर आप हाईलाइट करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करेगा। सर मेंस की तैयारी करने के दरमियान हम शुरू कहां से करेंगे सर? कहां से हम अलग से कुछ करनी ही नहीं है, मेंस की कोई अलग तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, सारी तैयारी यही है जो अभी आप कर रहे हो ना, यही मेंस की तैयारी है। मेंस का जो सिलेबस दिया हुआ है सर, इसमें कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो यही मेंस की तैयारी है। अब आप कहें कि मैं तैयारी करूंगा कैसे सर, आप तो कुछ और बता रहे हैं। तैयारी करने का बस इतना और आपको करना है कि यहाँ पर आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तरीके से दें, उसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से MCQ फॉर्मेट में आप देखते हैं, वो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देता है कि ये ABCD आप चूज कर लो। वो आपको कुछ बता देगा, क्या भारत में राष्ट्रवाद था? ए हाँ, ना, थोड़ा सा था, बहुत सा था, बस। तो अब ये भी राष्ट्रवाद पर ही सवाल है, और जो अभी हम सवाल की बात करें वो भी राष्ट्रवाद पर सवाल है, परंतु दोनों का तरीका अलग हो गया है। अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि भाई जो है भारत में राष्ट्रवाद पैदा कैसे हुआ, कैसे बना, क्या क्या प्रोसेसेस हुए, क्या घटनाएं इम्पोर्टेंट घटी, तो अगर आपको ये सब पता है इन्हीं को लिख दीजिए, लेखन शैली अच्छी करके सिस्टमैटिक तरीके से लिख दीजिए, बन गया मेंस का पेपर। इसका काम आप ये कर सकते हैं अभी से, अगर आप करना चाहें आप क्वेश्चन लिखने की एक आदत डालना शुरू कर दें। जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम इतिहास पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया के पुराने साल के पेपर निकाल लेते हैं, मेंस के पेपर, वो बहुत थोड़े से होते हैं। पिछले सालों में मान लीजिए 50 सवाल आए हैं मॉडर्न इंडिया से,
आप इन 50 सवालों को रोज नियम बना लीजिए, 3 से 4 सवाल रोज अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। अच्छा लिखिए, बुरा लिखिए, आप लिखते समय आपको खुद ही समझ आ जाएगा। मेंस के पेपर को चेक करने की भी जरूरत नहीं होती। आपको वर्ड लिमिट स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, 250 से ऐसा नहीं कि आप सोचें 500 लिख दूं, और ये भी नहीं कि आप 100 लिख दें। तो आपको 240-260 ज्यादा से ज्यादा 230-270 के, और जितने पॉइंट आने चाहिए वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस की तैयारी कोई शुरू तो अलग से मेंस करने की जरूरत नहीं है। कुछ विषयों को छोड़ दिया जाए तो कुछ एरियाज उसमें आते हैं, जैसे इंटरनेशनल हिस्ट्री, जैसे एथिक्स, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें वो हमारे अभी स्कोप से थोड़ा सा बाहर होता है, परंतु उसमें भी काफी सारे सवाल केस स्टडी बेस्ड आते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी एथिक्स को लेकर समझ क्लियर है आप उसे कर सकते हो, नहीं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से भी हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है सर, मेंस में कुछ सर सिलेबस जो दिया हुआ है, हाँ। तो सर उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रश्न तैयार करने होगी और मुझे तैयारी करना होगा। सिलेबस यूपीएससी ने हमें दिया हुआ है और लार्जली यूपीएससी अपने सर ये जेपीएससी का बात कर रहे हैं। नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। एक देखो, सभी मेंस एक जैसे होंगे, उसमें फर्क होगा भी नहीं। वो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट अगर लोकल है तो लोकल एग्जाम का जरूर इन्फ्लुएंस होगा कि भाई लोकल झारखंड का एग्जाम है तो झारखंड से संबंधित सवाल ज्यादा आएंगे, जो भी क्षेत्र होगा वहां से संबंधित सवाल ज्यादा आएंगे। उसके लिए आप तैयारी करके जाइए तो निश्चित आपको उसमें अच्छी सफलता हासिल होगी। अब आपका सवाल था कि सर, मेरे दो क्वेश्चन थे सर। पूछो, चलो तुम पूछो। मैं एक मिनट, इनका सवाल क्या था ये पूछ लेते थे। आपका आखिरी में सवाल क्या था डियर? मतलब शुरुआत कहाँ से करें, मेंस का वो कैसे करें? ठीक है, आप अपना सवाल बोलिए। ऐसा करता हूँ मैं सवाल लिख लेता हूँ, नहीं तो रेपिटेशन होता रहेगा। शुरुआत कैसे करें, अगला सवाल आप बोलिए। सर मेरे दो क्वेश्चन थे, एक जैसे क्वेश्चंस में होते हैं वर्ड्स एक्सप्लेन, एलुसिडेट, डिस्क्राइब, डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, इन सब में डिफरेंशिएट कैसे करें कि क्या लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मेंस की जो तैयारी है वो कहाँ से स्टार्ट करें अभी? ये तो यही हो गया, शुरुआत कैसे करें, है ना? और कोई सवाल? एक बार मैं थोड़े सवाल ले लेता हूँ फिर एक साथ आंसर करता हूँ, नहीं तो मैं रिपीट करता रहूँगा। हाँ बोलो सर। जी सर, जैसे कि क्वेश्चन है वो करंट और स्टैटिक दोनों पार्ट कवर करता है, तो आंसर लिखते टाइम हमें दोनों कवर करने चाहिए। दोबारा बोलो, करंट सर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी हो और करंट से भी रिलेटेड हो, तो आंसर लिखते टाइम हमें दोनों को कवर करना चाहिए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है और करंट पर्सपेक्टिव है, यस। बट आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है? ऐसे में इसका आंसर मैं तुरंत हाथ के हाथ दे देता हूँ क्योंकि सवाल थोड़ा सा लंबा है। देखो, हमेशा हर सवाल का अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इन्होंने ये 6 सवाल पूछा है, एक्सप्लेन, क्रिटिकल, इस पर मैं बोल देता हूँ, ठीक है? तो हमारे हर सवाल की, कोई भी सवाल कॉमन नहीं होता है। हर सवाल में बेशक वो एक जैसा लगे, ठीक है? जैसे भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है? और अगर इसी सवाल को ये कर दूं, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, एनालाइज क्रिटिकली, ठीक है? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, इस पर इसका विश्लेषण, क्रिटिकल विश्लेषण कीजिए, ठीक? अब ये दोनों सवाल एक नहीं है, दोनों सवाल एक नहीं है। एक में वो कह रहा है कैसे हुआ, तो कैसे हुआ में आपको प्रोसेस पर ज्यादा जाना है कि प्रोसेस क्या क्या घटनाक्रम घटी, भाई अंग्रेज आए 1885 में ये हुआ, तो यहाँ पर प्रोसेस बढ़ जाएगा। दूसरा सवाल है एनालाइज क्रिटिकली। अब एनालाइज क्रिटिकली में आपको क्रिटिकल ज्यादा होना, क्रिटिकल मतलब बुराई करना नहीं, पर उसके इवेंट्स पर नहीं ज्यादा जाना, प्रोसेस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बल्कि उस
वो हुआ कैसे, उसके क्या इम्पोर्टेंट हॉलमार्क्स रहे, उसका क्रिटिकल असेसमेंट करना है। और ये क्रिटिकल असेसमेंट पहले से शुरू होगा और बाद तक खत्म होगा। तो हर सवाल अपने में एक स्पेशल नेचर रखता है, इसलिए हमेशा याद रखिए मेंस में सवाल करते समय, इनफैक्ट मैं बचपन से ये एक चीज़ सबको बोलता हूँ, अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि जब आप सवाल करते हो तो किसी भी सवाल को, चाहे गणित का सवाल हो, कोई भी सवाल हो, रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट 3 times। डोंट जंप टू द कंक्लूजन। हमारी ना सवाल के सुनकर एक आदत हो जाती है, हम जैसे ही सवाल बोला जाता है तुरंत आगे का सवाल गैस कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे वो कौन सा फिंगर वाला क्वेश्चन होता है ना, जल्दी जल्दी जिसमें आंसर करना होता है, फर्स्ट फिंगर ऐसा कुछ एक होता है, इवेंट होता है जिसमें हमें तुरंत से आंसर करना होता है, जो सबसे पहले बटन दबाएगा उसी को आंसर करने का मौका मिलेगा। अब मान लो मुझे सवाल कुछ पूछना है, भारत की आजादी का दिन, ठीक है। अब इसमें कई लोग अपने आप जोड़ सकते हैं कि सर पूछेंगे कि आजादी का दिन कब था, पर सर बदल सकते हैं अपने सवाल को, मैं कब की बजाय कुछ और पूछ लूंगा। आजादी के दिन के 10 दिन बाद क्या हुआ मान लीजिए, या 1 साल बाद क्या हुआ, कुछ भी बदल सकते हैं। तो डोंट जंप टू द कंक्लूजन। हमारी एक आदत होती है कि जैसे जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम पहली के शुरू के हिस्से को ही पढ़ते हैं और बाकी के बाद के हिस्से को भूल जाते हैं। जैसे इन्होंने ये सवाल इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये शब्द एक्सप्लेन, एल्यूसिडेट, क्रिटिकली एनालाइज और भी पता नहीं कितने सारे तरीके के कॉम्बिनेशन लगे होंगे, और हर एक का लगभग अलग मतलब है, कम से कम ब्रॉड कैटेगरीज में अलग अलग मतलब है, कॉमन नहीं है। अगर क्रिटिकल बोल दिया तब अलग हो जाएगा, एक्सप्लेन बोल दिया तो अलग हो जाएगा, प्रोसेस पूछ लिया तो अलग हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पूछ लिया आंसर अलग हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ 250 शब्द में आंसर करना है, हम दाएं बाएं नहीं घूम सकते। जो पूछा गया है केवल वही बताना है, ये ध्यान रखना है यूपीएससी में, जो पूछा गया है केवल और केवल वही बताना है। उसके अलावा अगर उसने क्रिटिकल एनालिसिस पूछा है तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस ही बताना है, प्रोसेस की चीज़ें को नहीं डिस्कस करना है, या करना है तो बहुत ही कम उसमें, आपको एनालिसिस पर ही मेहनत करनी है। तो यहाँ पर आपका अंतर हो जाता है, इसलिए सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ो, समझो कि सवाल में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सवाल के हिस्से करो, अगला काम करो सवाल को ब्रेक करो। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको समझ ना आ रही हो, कोई भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट हो, तो उसको करने के लिए हमारा दिमाग कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स को समझ नहीं पाता, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं एक बड़ा लंबा सा स्टेटमेंट, इंग्लिश में खासतौर पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमारे यूपीएससी में भी इस तरीके के सवाल आते हैं, नॉट को वो 2 बार लगाता है, 3-3 बार लगा देता है। अभी What is not, what are not the negative effects of British Empire? अब इसमें क्या लिखोगे? Sir, positive aspects. है ना, अब इसमें मैंने दो what are not the negative effects. अब ये sentence ऐसा है जिसमें हमने नॉट भी यूज़ कर लिया, नेगेटिव भी यूज़ कर लिया। अगर मैं इसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ूंगा, मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है, ये वेरी सिंपल सेंटेंस, कई सेंटेंस, कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि वो आपको चक्कर में डाल देंगे कि इसे कह क्या रहा है, इतनी जगह वो नॉट और एग्जेम्पशंस यूज़ कर देता है, इतना लंबा सेंटेंस कर देता है, तो ऐसे में उनको आपको ब्रेक करना पड़ता है। तो इसका एक हिस्सा है वाट आर नॉट, क्या नहीं है, नकारात्मक प्रभाव। तो क्या नकारात्मक प्रभाव नहीं है, यानी कि सकारात्मक प्रभाव क्या है, पर वो आपके सवाल को इस तरीके से फ्रेज करता है। तो आपको यहाँ बचना है अपने आप को,
एक्सप्लेन, एलिसिडेट, क्रिटिकल एनालिसिस, ये सब अलग होते हैं। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, हर एक का अपना एक मीनिंग है, तो आपको वो मीनिंग समझना है। अगर उसने कहा है एक्सप्लेन करो तो एक्सप्लेन ही करो, उसने कहा है प्रोसेस बताओ प्रोसेस बताओ, एलिसिडेटेड मतलब उसके ऊपर उसको और ज़्यादा एलेबोरेट करो, ठीक है। तो ये आपको कैटेगराइज करना होगा, आसानी से हो जाता है, पर आपको इन दो चार शब्दों को, तीन चार कैटेगरी में इन सारे शब्दों को ब्रॉडली बांट सकते हैं। जैसे एक्सप्लेन, एलिसिडेट, ये एक कैटेगरी में चला जाएगा, क्रिटिकल एनालिसिस एक में चला जाएगा, प्रोसेस एंड इवेंट्स एक अलग चीज चली जाएंगे। तो आपको इस कैटेगरी में इसको बांटना होगा और आपका सवाल हो जाएगा। शुरुआत कैसे करें, अच्छा ये सवाल हमारा आखिर में रहेगा। देखो शुरुआत में सबसे पहला जो हमारी फाउंडेशन है मेंस के लिए, बिगिन कहां से करें? फाउंडेशन के बिना, नींव के बिना कोई मकान खड़ा नहीं हो सकता। हो सकता है? नो सर। बिना नींव के वो भी गया तो टूट जाएगा सर, गिर जाएगा, टिकेगा ही नहीं। आप दीवार खड़ी करके देखो, सीधा जमीन पर कभी दीवार खड़ी करके देखना, आपकी दीवार 10 दिन भी नहीं टिकेगी। जब तक आप उसे जमीन के अंदर तक नहीं ले जाएंगे तो वो रुकेगी नहीं, टिकेगी नहीं। वो आपकी बिल्कुल कोई भी धक्का मारेगा तो भी गिर जाएगी दीवार, चाहे आप कितना भी बढ़िया सीमेंट और कुछ भी लगाते रहिए। तो नींव का होना बहुत जरूरी है, मेंस में नींव फाउंडेशन बनाइए। अब मेंस की फाउंडेशन की नींव किससे बनेगी? प्रीलिम्स। हाँ हाँ, मतलब अगर इसे ऐसे कहूँ क्यों से, फैक्ट से, अगर मुझे ये सवाल का आंसर करना, अगर मुझे राष्ट्रवाद के उदय का सवाल अटेंड करना है, अगर मुझे ये फैक्चुअल नॉलेज पुअर है, मुझे पता नहीं है कि नेशनलिज्म क्या होता है, मुझे पता नहीं है कि भारत में नेशनलिज्म था या नहीं था, मुझे ये पता नहीं है कि नेशनलिज्म किस तरह से 1885 में हुआ, मुझे नहीं पता है कि आरसी दत्त और दादा भाई नौरोजी ने क्या थ्योरी दी, है ना, मुझे ये नहीं पता कि बाद का घटनाक्रम क्या है, अगर मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता और इनमें से एक चीज़ भी नहीं पता, मतलब दो पता है एक नहीं पता, तो भी मेरे लिए ये आंसर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो तथ्यों की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे मेंस की रूप में, और तथ्यों की जानकारी हम किस में कर रहे हैं? प्री की तैयारी में। प्री की तैयारी तथ्यों की जानकारी है, तथ्य आप इकट्ठे कर रहे हो। आप क्या इकट्ठे करते हो? डेट्स इकट्ठे करते हो, कंसेप्ट इकट्ठे करते हो, कब क्या क्या हुआ, इन सबको आप इकट्ठे करते रहते हो, अपने दिमाग में इकट्ठा कर रहे हो, एक तरीके से बुनते जा रहे हो। जब आपने फैक्ट्स सफिशियंट क्वांटिटी में इकट्ठे कर लिए, आप अब पोजीशन में आ गए हो उन फैक्ट्स को एक रिटन फॉर्मेट देने में। ये बात ध्यान रखिए कि खाली तथ्यों की जानकारी लिखित जानकारी में कन्वर्ट नहीं होती। कई बार लोगों को सब कुछ पता होता है पर फिर भी वो लिख नहीं पाते हैं। लिख पाना एक दूसरी कला है, जान लेना एक कला है और बोल देना, कह देना, एक्सप्रेस कर देना दूसरी कला है। दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो जो लिखित फॉर्मेट में ले जाना ये, पर उस वो बिना इस नींव के नहीं हो सकता। जब आपकी नींव खड़ी हो जाएगी फिर आप साथ के साथ अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आपने जैसे आप जहाँ पर भी हैं, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इस समय आप अपने रोज का 1 घंटा 1.5 घंटा समय इसको दीजिए, मेंस की तैयारी को, राइटिंग प्रैक्टिस को, क्योंकि अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है। तो अभी 1.5 घंटा 2 घंटा आप दीजिए अपने किसको, अपने इस तैयारी को, अपना 1-1.5 घंटे का समय रखिए कि 1-1.5 घंटा मैं जो है, जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं उसी विषय को साथ लीजिए, उसी विषय के आप क्वेश्चन पेपर को पकड़ लीजिए। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया के पुराने मेंस क्वेश्चन को निकाल लीजिए, उनको आंसर करने की कोशिश करिए। जैसा भी लिख पाए, कोई जरूरी नहीं कि आपको A1 आंसर लिखना है, तो आप अगर C1 भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे तभी आपको सही रास्ता मिलेगा।
बिना कोशिश किए हुए आपको कभी रास्ता नहीं मिलेगा। तो सफलता हमेशा कोशिश करने वालों की होगी, जो लोग ट्राई करेंगे वही कहीं पहुंचेंगे, जो घर बैठे रहेंगे वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो आप आंसर लिखना शुरू करिए, आंसर आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे आपकी पकड़ हो जाएगी। नियम बस ध्यान रखिए कि भाई मेरे को नियम दिन में जैसे आप 250 नंबर के लिए कितने, एक क्वेश्चन के लिए यूपीएससी हमें कितना समय देती है, 15 क्वेश्चन आते हैं ना 250 नंबर के, 15 तो 15 को 3 घंटे से डिवाइड करिए कितना आया, तो 10 मिनट के आसपास का समय है। आप 20 मिनट लीजिए, 20 मिनट में आपको एक प्रश्न का आंसर करना है और आप दिन के 3-4 क्वेश्चन रोज करिए, तो आपकी मेंस की तैयारी अपने आप शुरू हो जाएगी। मेंस ना केवल मेंस की तैयारी शुरू होगी बल्कि प्री का रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगा। जब आप मेंस के क्वेश्चन लिख रहे होंगे ना, तब आपको ये बात का एहसास हो जाएगा, यार मैं तो भूल गया कौन सा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1886 में बनी थी, 86 में बनी थी, कर्जन कब आया था, जब आप लिखोगे कि लॉर्ड कर्जन 1899 से 1855 यार 5 तक रहा था, 6 तक रहा था, 1888 में आया था, 1898 में आया था, 5 में आया था, ये सब सवाल आपके दिमाग में आने लगेंगे। सवालों को आने देना, रोकना मत, उनसे घबराना नहीं, कह रही यार मेरे को नहीं याद आ रहा, ऐसे डरना नहीं, जो आ रहा है वो लिख दो, बाद में अपना चेक करो कि यार मैंने ये चीज़ सही लिखी, जो भी मैंने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखी वो सही लिखी, मैंने राष्ट्रवाद की जो डेफिनेशन लिखी क्या वो राष्ट्रवाद की डेफिनेशन सही डेफिनेशन है, मेरी राष्ट्रवाद की डेफिनेशन जो एक्सेप्टेड राष्ट्रवाद की डेफिनेशन है उससे कितनी अलग है, बस ऐसी कुछ चीज़ें करनी है, आपका काम हो जाएगा। जैसे ही आपने ये लिखा बस हो गए पास, सही है। तो सर मेंस में हमें सिर्फ केवल लिखना है, पढ़ने के लिए हमें बिल्कुल लिखना है, और लिखना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्री से, इसीलिए प्री आपको फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में मेंस होता है। जो चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी तो क्या है कि हम केवल ऐसे कर रहे हैं कि भाई ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा कि लॉर्ड कर्जन भारत में कब आए, 1950 से लेके 1960 तक, 1980 से लेके 1990 तक, 1900 से लेके 1905 तक, और एक आएगा 1905 से 1910 तक। अब ऐसे में चूज करना आसान होता है, पर जब आपको खुद प्रिसाइजली लिखना होता है कि कर्जन कब आए, क्योंकि यहाँ पर ये तो दे दिया गया कि कर्जन भारत में आए थे, अगर किसी को यही ना याद हो कि भैया कर्जन भी कोई था, कर्जन भी आया था, तो वो तो लिख ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आपका याद होना जरूरी है, कोशिश शुरू कर दीजिए, अभी से पढ़ना इसके लिए शुरू कर दीजिए, हो जाएगा, घबराएं नहीं, घबराने से कभी कोई परेशानी का हल नहीं होता। अपनी लिखने की कला आपकी बेहतर होगी, आपको लिखना आएगा, और इनफैक्ट मैं भी चाहूँगा कि अगर आप मुझे कुछ ऐसे लिखना शुरू कर दें, कुछ छोटे छोटे ऐसे लिखें, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखें, तो हो सकता है अगर मेरे पास साधन हुआ तो मैं आपके वो ऐसे छपवा दूंगा कहीं पर, जिससे कि वो कहीं पर हम कोई मैगजीन में छाप देंगे, अगर वो ऐसे अच्छी क्वालिटी के होंगे, बेस्ट क्वालिटी के होंगे, तो उन एसेज को हम छाप सकते हैं। सर हम लिख देंगे, लिखिए आप, ठीक है, लिखने सर, का सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, इस पे बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। सर भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने उस दौर के कला और साहित्य को कैसे प्रभावित किया सर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन। स्वतंत्रता संग्राम को कला और साहित्य ने कैसे प्रभावित किया? सर भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने उस दौर के कला और साहित्य को कैसे प्रभावित किया? संग्राम ने प्रभावित, अब ये देखो ये दोनों, ये सवाल भी अच्छा है, जैसे हर सवाल अपने आप में यूनिक होता है, दो चीजें पूछ रहा है, क्या बताना भैया इस सवाल में? सर इसके बारे में थोड़ा स्टार्ट में मैं किसी और से पूछ रहा हूँ, जिसने सुना इस सवाल को वो बताए, तो बता सकता है। अच्छा तुम ही बताओ यार क्या करना सर, है सर, सर इसमें सबसे पहले सर परिचय देंगे? नहीं नहीं मुझे बताओ, आंसर में लिखूंगा क्या, लिख मोटा मोटा बताओ। सर
सर जैसे सर सबसे पहले इसका लिखेंगे सर, भारत अपनी मतलब समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे कला और साहित्य भी बदलता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और प्राचीन और मध्यकाल जैसे महान धर्मों की उत्पत्ति भारतीय कला पर इसके धार्मिक प्रभाव के लिए जानी जाती थी। इसी तरह आधुनिक समय में राष्ट्रवाद के गौरव में निहित अवंट मतलब गार्डे आंदोलन ने भारतीय कला को स्वदेशी मूल्यों से लेस कर दिया। उसके बाद इसका प्रारूप जना देंगे जिसमें सर जैसे स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय कला और साहित्य में राष्ट्रवादी उत्साह और अभिव्यक्ति को निम्नलिखित तरीकों से लाया। जैसे चित्रकला में हम देखते हैं जैसे वर्ष 1905 में स्वदेशी जैसे आंदोलन के दौरान बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट की स्थापना हुई जिसकी उत्पत्ति तत्कालीन कलकत्ता और शांति निकेतन में हुई थी। और उसके बाद ठीक है तुम्हारा सही है। अब मैं सवाल को ऐसे बोलूं, भारत के कला और साहित्य ने स्वतंत्रता संग्राम को कैसे प्रभावित किया? ये सवाल दोनों तरीके से पूछा जा सकता है और इसका आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि क्या भारत के साहित्य की भारत के ये जो सवाल है वो ये है कि भारत के साहित्य और कला और साहित्य ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने स्वाधीनता संग्राम ने कला और साहित्य को कैसे प्रभावित किया, जो बिल्कुल ठीक लाइन पर जा रहे हैं कि कैसे स्कूल ऑफ थॉट्स नए नए आए, कैसे आप बंकिम चंद्र चटर्जी और फिर उनको हमारे ये रविन्द्रनाथ टैगोर आर्टिस्ट और बहुत सारी चीज़ें और जो है स्वदेशी में बहुत बड़ी सारी चीज़ें हुई, तिरंगा बनाया गया, कई सारे गीत बनाए गए और भी उर्दू पोइट्री का इस्तेमाल किया गया, इकबाल का इसमें कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट प्रेमचंद और बहुत सारे ऐसे हिंदी साहित्य में भी बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रीय साहित्य स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में बड़ी भूमिका निभाई है। तो हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है, पर अगर वो ये पूछे कि कला और साहित्य का क्या प्रभाव पड़ा राष्ट्रीय संग्राम पर या राष्ट्रीय संग्राम पर कला साहित्य का क्या फर्क पड़ा, ये दोनों थोड़े अलग सवाल हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कला और साहित्य का स्वतंत्रता संग्राम पर क्या कोई असर पड़ा, भारत का जो ट्रेडिशन है उसका कोई प्रभाव पड़ा स्वतंत्रता संग्राम पर, तो आप इस सवाल को कैसे एड्रेस करेंगे? या सेम चीज लिख देंगे? इसमें चेंज करना पड़ेगा सर, नुक्कड़ नाटक होते थे ये भी कला थी? नहीं वो सब ठीक है, वो कला बंद बताओ, मुझे ये बताओ कि कला और साहित्य का स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा, इस सवाल को करते समय आप क्या जवाब देना चाहोगे? कला साहित्य कल्चर सर, कला और साहित्य से सर लोग स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने लगे सर, भारी मात्रा में सर वो सर जुड़ने लगे। जैसे कला और साहित्य से कैसे जुड़ने लगे? सर कला और साहित्य से सर वो जो फ्रीडम फाइटर थे सर वो अपनी बात रखते थे पूरे देश के साथ और वो सर आसानी से सब लोगों को समझ में आ जाती। नहीं ये इसका आंसर नहीं है सर, वो लैंड भी राष्ट्रवादी कविताएं और साहित्य लिखा जाने लगे थे, पत्रिकाएं और ये पत्र भी छपे थे, ये इसका आंसर नहीं है सर। इसने यूथ को बहुत इंस्पायर किया कि वो भी मतलब इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट करें ना, इसके थ्रू कि वो इंडिपेंडेंस में आए और पार्टिसिपेट करें, जैसे कि बंगाल के स्टूडेंट्स ने एक बहुत बड़ा वो मार्च निकाला था। नहीं गलत, आप सब गलत ट्रैक पे चल रहे हो सर। साहित्य मतलब फिलॉसफी सर, इसमें देखा जाए सर कविताओं में सर इसमें जैसे हम साहित्य के बारे में बात आप सभी गलत ट्रैक पे चल रहे हो, सभी गलत ट्रैक पे चल रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में एक ट्रैक फंस गया है। हमारे दिमाग की ये प्रॉब्लम होती है, हमारा दिमाग अगर एक ट्रैक पे चलता है तो रिवर्स नहीं कर पाता। ये हमारे सबके हम पहला सवाल था कि क्या भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कला और साहित्य पर क्या फर्क पड़ा, तो जो स्वतंत्रता संग्राम था उसने क्या असर डाला, जो कुछ आप बता रहे हो आप इस सवाल का जवाब बता रहे हो। मैंने सवाल उल्टा कर दिया है, मैंने कहा है भारत में
कला और साहित्य का स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा? सवाल बिल्कुल उल्टा हो चुका है और बिल्कुल अलग हो चुका है। स्वतंत्रता संग्राम जो क्या है उसको असर पड़ा? अच्छा ये बताओ, कला और साहित्य का, कल्चर संस्कृति का स्वतंत्रता संग्राम पर कोई असर पड़ा? इसने हमारे देश के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करने का काम किया था। मैं तो कैसे सर, जैसे कि समझ देखो, जो हमारी एंशियंट ग्लोरी थी, जो हमारा प्राचीन इतिहास था, प्राचीन कला साहित्य, लोगों को उसकी जानकारी, खासतौर में जैसे वेदों का ट्रांसलेशन हुआ, गीता का ट्रांसलेशन हुआ, बहुत सारा ऐसा लिटरेचर पुराना हिस्टोरिकल ट्रांसलेट वो है जिसका ट्रांसलेशन होना शुरू हुआ। जब उसका ट्रांसलेशन हुआ और लोगों के अंदर उसकी जानकारी हुई, इनफैक्ट अंग्रेज खुद प्रभावित थे भारत के कला और साहित्य से, यहाँ बुद्धिस्ट लिटरेचर का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, यहाँ पे हड़प्पा के बारे में जानकारी पता चली, यहाँ ये पता चला कि यहाँ एक राजा था जिसका नाम राजा अशोक हुआ करता था, ब्राह्मी लिपि ने जिसमें बहुत से बड़े बड़े शिलालेख लिखवा रखे थे, ठीक है, ये सारी जानकारी पता लगी। तो इससे भारत की जो ग्लोरी है कि भाई भारत एक महान देश है, हम एक एंशियंट प्राचीन सभ्यता है। अंग्रेजों ने हमें क्या बताया आकर कि आप लोग असभ्य लोग हो, यू पीपल आर अनसिविलाइज्ड पीपल एंड वी हैव अ मिशन, हमारा एक प्रोविडेंस प्रोविडेंशियल मिशन है, आपको कुछ आता जाता नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हो, हम आपको आए हैं सिखाने के लिए, आपका आपको बाहर निकालने के लिए गड्ढे थे। पर कला और साहित्य ने नैरेटिव उल्टा कर दिया, भाई आप हमें क्या निकालोगे, हम तो यहाँ खुद पहले ही वो है। विवेकानंद, विवेकानंद ने इसमें मतलब वो वहाँ पर जाकर स्पीच दिया यूएसए शिकागो में कि जो है भारत की जो हिस्टोरिकल रिचनेस है वो कितनी बड़ी है। तो आंसर बदल जाता है एक सवाल के, एक शब्द के हेरफेर से। मैं ये बात आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक शब्द इधर से उधर हुआ और उससे जवाब पूरा बदल जाएगा। सो डोंट प्रिज्यूम एनीथिंग, डोंट किसी भी चीज को मान के मत चलो कि मैंने ये चीज पढ़ी तो अब मैं यही बोलूंगा, क्योंकि मैंने तो भाई बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ा, मैंने कहा वो आपका उत्तर सही था, वो वाला जो पहले वाला उत्तर आपका सही था, आपने बिल्कुल राइट ट्रैक पकड़ा, उसी को आगे बढ़ाते जाओ, आपका आंसर सही पहुंचेगा। पर अगर सवाल पलट गया, उत्तर पलट जाएगा और बिल्कुल पलट सकता है, ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है मेंस में कि जब आप मेंस का आंसर लिखोगे तो सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, केवल वह जवाब दो जो पूछा गया है। आप इधर उधर दाएं बाएं करोगे, 250 तो शब्द है, उनमें वैसे ही लिखने के लिए कुछ नहीं बचता, 250 का मतलब 25 लाइनें जो कि बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है मेंस में, प्रिसाइज होना है। कोई और सवाल? नहीं तो सर, जैसे हमको मेंस लिखना है सर, तो हमें सवाल जो जैसे तैयार करना है मेंस के लिए, तो पॉलिटी के मान लीजिए हमको तैयार करना है, तो पॉलिटी के हमें पूरा मतलब पूरा पॉलिटी हमको पॉलिटी का जितना सारा क्वेश्चन है सभी पे हमको मतलब फोकस करना होगा। कुछ अलग से क्वेश्चन पर फोकस करने की जरूरत क्या है? है जरूरत? अजय ये बताओ, अभी हमने कला साहित्य स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर दो सवाल चर्चा किए, क्या हमने ये पढ़ा इसको कहीं? अभी हम कहीं पढ़ के आए हैं क्या? कहीं नहीं पढ़ के आए, बस बेसिक ही। तो देखो, इन यूपीएससी में सवाल करने के लिए आपको बेसिक पता होने चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत है। हाँ, बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए, बेसिक क्लियर होंगे तो आप बिल्कुल इस सवाल को, किसी भी सवाल को आप आसानी से कर दो। तो आप कोई भी सवाल है, पढ़ा हुआ आपका होना जरूरी है, आप उस विषय को पढ़ लो पहले एक बार, उसको रीड कर लो एक बार दो बार, जिससे आपके पास तथ्यात्मक जानकारी पूरी रहनी चाहिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट मतलब कंप्लीट कभी नहीं होती, पर एक मिनिमम लेवल पर वही हमें 50-60% चीज़ें पता है। जब हमें इतनी चीज़ें पता है तो उसके बाद फिर हम किसी भी सवाल को एड्रेस कर सकते हैं। सर जैसे स्टेट पीसीएस की बात हो गई, तो सर वहाँ पे मान लीजिए पीटी निकल गया किसी कारण से,
तो सर मेंस के लिए निकलेगा भैया, आपकी मेहनत से निकलेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि किसी कारण से कैसे निकल जाएगा, कोई जादू मंत्र से निकलता है क्या, पूजा पाठ से निकलता नहीं सर, कैसे निकलता? तैयारी हुई है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से तभी तो पीटी निकाले हो गए यार, ऐसा कैसे? देखो अपने को कम आंकना बंद करो, अगर किसी ने पीटी निकाल रहा है कोई तो अपने को समझो, कीमत समझो उसकी कि भाई मैं होशियार हूँ। देखो हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, जो है ओवर कॉन्फिडेंस बुरी चीज है। एक बात ध्यान रखो एज अ स्टूडेंट, दो चीजों से बचो, ओवर कॉन्फिडेंस से बचो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से भी बचो, इन दोनों परिस्थितियों से बचो। कुछ बच्चा ऐसा होता है जैसे आपने कहा पीटी निकल गया किसी कारण से, इट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अरे यार पीटी किसी कारण से कैसे निकल सकता है, कोई ऐसा कारण हो सकता है क्या सिवा पढ़ाई के जिससे पीटी निकल जाए? या तो भैया चीटिंग किए हो, या तो तुम कुछ और किए हो, बिना पढ़ाई के कैसे निकाल दोगे? अगर चीटिंग नहीं कर रहे हो तो पास नहीं हो सकते हो। चाहे आप ये सोचो कि मैं तुक्के लगा के आ गया तो मेरे तुक्के सही हो गए, नहीं, आपको आता था, आपको शायद खुद एहसास नहीं होगा। कुछ लोगों की यह दूसरी बीमारी होती है, हमारे 80% या 90% बच्चों की बीमारी होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की, और 10% बच्चों की बीमारी होती है ओवर कॉन्फिडेंस की। उनको कुछ आता जाता नहीं है, वो उन्होंने अभी पेपर लिखा भी नहीं है, अरे हम तो एक ही साल में हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर पास कर देंगे, ऐसे भी होते हैं। वो क्लास में बोलते भी बहुत है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे पर क्लास नहीं करेंगे, क्लास छोड़ के वो सारी चीज़ करते हैं। बड़े सारे होते हैं, मैं इतने साल के एक्सपीरियंस में ये सब सीखा हूँ कि कई बच्चे बोलते बहुत हैं और जो बोलेगा ज़्यादा वो अच्छा कुछ नहीं करेगा, पर कई सारे ऐसे हैं कि वो अपने को जितने हैं उससे भी कम आंकते हैं। खैर अपना सवाल आप पूरा करो, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था। पीटी अगर हमारा निकल गया तो हाँ सर, तो मतलब जैसे स्टेट पीसीएस मुझे मतलब उम्मीद है कि 99% निकलने वाला है, ठीक है। तो सर स्टेट के लिए तो हम तैयारी नहीं कर पाए क्योंकि यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे, तो मेंस के हमें तैयारी। क्या नाम है आपका? श्याम बेद। अच्छा श्याम, सबसे पहले ये समझो कब है आपका मेंस, ये सभी पर लागू है, ये पर्सनल डिस्कशन नहीं है, सभी को समझना चाहिए कि आपका मेंस कब होगा। दिसंबर जनवरी तक हो जाएंगे। दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा मेंस ना। पहले देखो एक बात समझो, मैंने आपको बोला अगर आप कहीं पीटी क्लियर क्रैक कर रहे हो तो फिर आप इस पर फोकस करो, आप ये गलत कर रहे हो। अगर आपका पीटी, आपको लगता है कि आपका पीटी हो जाएगा, आपको रीजनेबल है, और इनमें कोई लड़ाई नहीं है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आपस में नहीं लड़ते हैं, बस आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाती है कि आप इस पक्ष पर ज़्यादा जोर दोगे या उस पक्ष पर ज़्यादा जोर दोगे। भाई देखो भारत का इतिहास, भारत की पॉलिटी तो बदलती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ बदल सकती है, वो है स्टेट सेंट्रिक हो जाना, बस। इसके अलावा किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में कोई अंतर नहीं है। तो क्या है, स्टेट पीसीएस एग्जाम ज़्यादा स्टेट सेंट्रिक हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश के सवाल सारे आएंगे, उत्तर प्रदेश की पॉलिटी के सवाल आ जाएंगे, उसकी ज्योग्राफी के सवाल आएंगे, उसके जो भी इकोनॉमी के सवाल ज़्यादा आएंगे, स्टेट नेशनल लेवल के कम आएंगे, कोई बात नहीं। तो इसे पढ़ लेने में ये तो हमारे लिए और लाभदायक है, जो स्टेट को पढ़ोगे वो आपके यूपीएससी में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो श्याम मैं आपको ये कहूँगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप मेंस कर रहे हैं, अगर आपका पीटी क्लियर हो रहा है यू शुड गो फॉर इट। दिसंबर जनवरी में कभी कब, कम से कम 4 महीना है जो कि बहुत 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 ज़्यादा समय है, काफ़ी सारा समय है आपके पास। अगर आपने पीटी निकाला है तो आपने निश्चित रूप से, आपको कुछ आता है, अपने आप को ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से बाहर निकालो, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी आंसर राइटिंग पर मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करो कि मेरा आंसर राइटिंग परफेक्ट होना चाहिए, और कोशिश करो कि मैं इस वाले एग्जाम को प्रायोरिटी दूँ यूपीएससी से। क्यों? क्योंकि देखो नया इंग्लिश में एक कहावत है, इट इज़ बेटर टू हैव वन बर्ड इन द हैंड देन टू इन बुशेस। सुने हो ये कहावत? मतलब हिंदी में है ना, हिंदी में भी इसका वर्जन होगा कुछ ना कुछ। मतलब इसका ये होता है कि भैया देखो एक चीज जो आपके हाथ में है उसे प्रायोरिटी दो, बजाय एक सपने की, नहीं मेरे को दो चिड़िया हाथ लग जाएंगी, जो आपके हाथ में नहीं है पता चला वो दोनों उड़ गई,
एक भी नहीं बची. So it's always better to have whatever. Sir, background sound आ रहा है sir. Okay, बंद कर लेना भैया, किसी का microphone on होगा. तो आप ये ध्यान रख के काम करो कि अगर आपका PT निकल रहा है, ये सभी बच्चों पर लागू होता है. अगर कहीं भी किसी का state PT निकल रहा है, priority दो उसको, उसको करने की पूरी कोशिश करो और उस exam को निकालो. जब वो exam आपका निकल जाएगा तो वो आपको अपने आप UPSC की ओर ले जाएगा. कैसे ले जाएगा भाई? देखो, कोई भी एग्जाम पास होने के बाद आपको बहुत टाइम रहता है. नंबर एक, जब आपका स्टेट PCS निकल जाएगा तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा. जो आज आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से परेशान हैं वो आपको खत्म हो जाएगा. आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं यार, मैं होशियार हूँ, मैं कर सकता हूँ. नंबर एक, आपको इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी कि यार अगर मेरा नहीं हुआ. इनसिक्योरिटी बहुत परेशान करती है. सबसे बड़ा जो परेशानी है वो इनसिक्योरिटी होती है. तो अगर आपने कोई स्टेट PCS निकाल दिया, आप उसे निकालने के आसपास हो, तो आपकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी. अब आपको ये हो जाएगा यार चलो कहीं ना कहीं मैं लग जाऊंगा. SDM तो मैं लगूंगा ही लगूंगा, ठीक है. IAS बनूंगा नहीं बनूंगा वो बाद की बात है, पर SDM तो मैं पक्का बनूंगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, ये दोनों प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी. तीसरी आपको मतलब जो सबसे भी बड़ा फायदा इसमें जो मिलता है, यहाँ की जो नॉलेज होती है स्टेट PCS की, वो आपके IAS में बहुत काम आएगी. IAS का जब एग्जाम दोगे इंटरव्यू में, आप ये समझ लो जैसे ही आप इंटरव्यू बोर्ड को ये बताओगे, इंटरव्यू बोर्ड को ये पता चल जाएगा कि आप स्टेट PCS में ऑलरेडी सेलेक्टेड हो. ओके सर, तो सर मुझे मतलब सेल्फ स्टडी करना है सर, क्योंकि उसका जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है, उसका प्रभाव और एक बिल्कुल अनसेलेक्टेड कैंडिडेट है, दोनों का प्रभाव बहुत अलग अलग आ जाता है. ऑलरेडी सेलेक्टेड को वो एक ऑफिसर की तरह मानते हैं कि नहीं यार ये तो बच्चा, मतलब इसको 30 नंबर इससे तो ज्यादा मिलना मिलना तय ही तय है, अगर ये कोई ब्लंडर ना करे तो. ऑलरेडी सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड दो नए कैंडिडेट, दो कैंडिडेट जाते हैं, सेम चीज देते हैं, सेम आंसर करते हैं, इसको इससे 20 से 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे. क्योंकि हर एक आदमी को, तुम मेरे पास आओगे, अब भाई अब एक आदमी आया आपके पास कि जी मेरा UPSC निकल गया, अभी जिन बच्चों का निकल गया होगा, ये जो पास आज आप कल हुए हैं, अब इनका आप जैसे ही आपसे मिलेंगे आप पहले ही मान लोगे कि इनको ये सब कुछ तो आता ही होगा, ये बहुत होशियार होंगे पढ़ने में, चाहे वो ना भी हो, चाहे आप उनसे ज्यादा होशियार हो, चाहे आपको उनसे ज्यादा चीज आती हो, परंतु फिर भी आपके मन में ये आ जाएगा कि नहीं ये हमसे तो होशियार है ही है क्योंकि ये पास हो गए. तो सक्सेस तो अपने आप में बिकती है, तो उसका इस्तेमाल करो, तो काइंडली फोकस करो, ठीक है. अगला सवाल किसी का? मैं तुम्हें बताऊं सभी को बताता हूं, हम जो भी कुछ करते हैं सेल्फ स्टडी से ही करते हैं. कोई अगर ये कहे कि वो फला कोचिंग में जाने से हम बाजीराम कोचिंग चले गए, अब बाजीराम कोचिंग कहेगी ये हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, पर क्या है ये जो बाजीराम कोचिंग में पढ़ने गया था ये बाजीराम कोचिंग में जाने की वजह से पास हो गया? नो सर. अभी सब कोचिंग वाला फ्लैग ले लेके, झंडा ले लेके खड़े हो जाएंगे कि भाई ये हमारा स्टूडेंट फला रैंक पे आ गया फलाना, तो क्या अगर वो बाजीराम कोचिंग में जाने से आ गया? कोई कह सकता है कि वो एक घंटा चला जाता था या दो घंटा चला जाता था इससे वो IAS बन गया? नहीं भैया, वो सेल्फ स्टडी से ही बना. जो भी बनता है वो इसी से बनता है, सेल्फ स्टडी से. कोचिंग तो बेसिकली आपकी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है आपकी गाइडेंस है. आप अगर गलत रास्ते पे ना भटको, आपको क्या पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है, इसकी बेसिक गाइडेंस है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है. बुद्ध का बहुत फेमस सेइंग है, अतः दीपो भाव, बी योर ओन लाइट,
Nobody else can be your light. बुद्ध ने जब वो गए उन्होंने ये सबको बताया अपना प्रकाश खुद बनो, बनना ही पड़ता है। कोई ये सोचे कि मुझे कोई आके कुछ कर जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यू हैव टू बिकम योर ओन लाइट, अपना रास्ता खुद बनाना ही पड़ेगा। दूसरा आपको सलाह दे सकता है, बुद्ध ने भी हमें सलाह दी, रास्ता बता दिया कि भैया ये रास्ता है, इस रास्ते को अपना जांचो परखो सोचो, सही लगे तो चलो। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं यही रास्ता चलना और कुछ नहीं चलना, यही करोगे ये चार चीज कर लो तो हो जाएगा काम, कुछ नहीं होगा। मैं कोई कोचिंग ये कहते अगर ऐसा हो कि मान लीजिए किसी कोचिंग की वजह से बच्चे पास हों, तो यानी कि मुझे यूपीएससी में एडमिशन की चिंता क्यों करनी चाहिए, मुझे तो बाजीराम कोचिंग में एडमिशन की चिंता करनी चाहिए कि भैया किसी तरीके से मेरा बाजीराम कोचिंग में 2 लाख रुपया दे दूं और मेरा यहाँ पर एडमिशन हो जाए, मैं आईएएस बन जाऊंगा। कोचिंग में जाने से आईएएस नहीं बनूंगा, मैं सेल्फ स्टडी से ही बनूंगा। तो आप सेल्फ स्टडी से ही बनेंगे, ध्यान रखो। चलो बहुत सारी जनरल डिस्कशन हुआ, हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, देन वी विल रिज्यूम अवर क्लास। 10 मिनट का ब्रेक रखते हैं, 10 मिनट बाद वापस अपना हिस्ट्री शुरू करेंगे। बाकी आप लोग अपना मेंस की तैयारी शुरू करो, मैं भी आपको कुछ कुछ एक्सरसाइज दे दूंगा, पर वो मैं तो अपनी दूंगा, ठीक है। आप लोग अपना पढ़ना शुरू करो, 10:35 पर हम शुरू करते हैं, ठीक है? ओके ओके सर। सर 1 घंटे का ब्रेक है क्या?
हेलो यस सर चलो शुरू करें। मेरे मुंह से क्या 10:35 मैंने 10:35 शायद लिख दिया था वहां पर। यस सर यस सर मैंने पर 10 ही मिनट बोला था। शुरू कर दें 10:30 तक टारगेटेड टाइम है क्लास को खत्म करने का। ठीक है ओके अब हम अब शुरू कर ले। ठीक है अपना हिस्ट्री शुरू कर देते हैं। यहाँ पर थे हम स्वदेशी मूवमेंट पढ़ रहे थे कल। ठीक है तो भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है ये स्वदेशी आंदोलन और पहला जन आंदोलन कहा जा सकता है। पहला मास मूवमेंट इसको कहा जाता है। ऑल इंडिया मास मूवमेंट नहीं है बट एक मास मूवमेंट एक जन आंदोलन है जो बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। ठीक है इसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है और इसमें से कई सारी महत्वपूर्ण विचार कई महत्वपूर्ण विचार इस स्वदेशी आंदोलन में जैसे हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे तो ये वो राष्ट्रवादी प्रक्रिया थी। कैसे हम एक राष्ट्र बनने लगे कैसे हमें ये विचार आने लगा। ये विचार आया कि भाई हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है हम क्यों विरोध कर रहे थे बंगाल के पार्टीशन का क्योंकि हमें जो अंग्रेजों की नीतियाँ थी वो समझ आने लगी थी। अंग्रेजों की नीति की शोषण की नीति समझ आ रही थी कि भाई ये हमारे पैसे को ड्रेन कर रहे हैं राजनीतिक रूप से हमें विभाजित कर रहे हैं हम विभाजित हो रहे हैं इसलिए कोई हम पर शासन कर रहा है हमारा शोषण हो रहा है। ये चीज़ें हम समझ रहे थे। ये समझ रहे थे कि चाहे हम हिंदू हों चाहे मुसलमान हों चाहे हम पंजाबी हों चाहे हम बंगाली हों या तमिल हों हम सबकी जो जो आवश्यकताएं हैं जो जरूरतें हैं जो आकांक्षाएं हैं खासतौर में राजनीतिक आकांक्षाएं हैं वो सब एक जैसी हैं। जब ये राजनीतिक आकांक्षाएं अक्रॉस रिलीजन अक्रॉस रीजन मतलब क्षेत्रवार अब कोई भेद नहीं रह गया तो हम लोग क्या है कह रहे ये तो मद्रासी है मद्रासी को बाहर करो ये बंगाली लोग बहुत गंदे होते हैं है ना ऐसा मतलब प्लीज कोई माइंड मत करना मैं जस्ट उस बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ। ऐसे हमारे मन में बड़े सारे विचार होते हैं अभी भी उनमें से कुछ विचार हमारे भीतर मौजूद रहते हैं कि ये लोग बिहार के हैं तो ये भैया है ये नॉर्थ ईस्ट के हैं ये लोग हैं तो हम लोग तमाम तरीके के नामों से लेके भेद कम करते हैं और जो भेद करते हैं उससे क्या होता है सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है राष्ट्र को फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म नेशनलिज्म जब कोई ये काम कर रहे हैं ना हम बिहारी ये सब जो डिवीजन करते हैं ये जब डिवीजन कोई करता है तो सबसे बड़ा बुरा काम क्या करता है क्यों वो काम इतना ज्यादा गलत है क्योंकि आप राष्ट्रवाद की भावना को किल कर रहे हैं। जब आप धर्म के आधार पर लोगों को बांटते हैं तब आप राष्ट्रवाद की भावना को किल करते हैं क्योंकि हिंदू और किसी भी दूसरे धर्म या पंजाबी और तमिल या बंगाली इनके राजनीतिक हित अलग अलग नहीं है इनके हित एक साथ हैं कॉमन है सबके हित एक साथ हैं। हम अलग अलग नहीं चल सकते हैं क्योंकि हम एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बंधे हुए हैं हमें इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में रहना है तो हम इससे बंधे हुए हैं हमारा वैल्यू सिस्टम कॉमन है। तो ये चीज का एहसास धीरे धीरे 1885 से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका कराना लोगों को शुरू किया
लोगों के उसके बारे में जानकारियां मिल रही थी, तमाम तरीके से लोग सोच रहे थे। और धीरे जब करजन ने अनाउंस किया बंगाल का पार्टीशन, तो लोगों को ये समझ आया कि देखो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हैं हमारे साथ, हमें बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके खिलाफ लोग एकजुट हो गए। अब एकजुट होकर क्या करें, एकजुट हो गए, यही एकजुट हो गए, ठीक है, अब उसके आगे क्या करोगे? तो उसके आगे उन्होंने करने के लिए रास्ता निकाला जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, कि हम स्वदेशी चीजों के लिए काम करेंगे, जो विदेशी चीजें हैं उनका बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। और ये रेजोल्यूशन कलकत्ता टाउन हॉल मीटिंग में पास किया गया था। और इस स्वदेशी आंदोलन ने विभाजन के खिलाफ हो रहे इस आंदोलन को एकजुट किया। भारतीय जो आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन, अब अपनी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था पूरे बंगाल में, ठीक है, पूरे बंगाल में ये जो है आंदोलन फैल गया था। लोगों को एहसास हो रहा था कि हाँ, ये जो विभाजनकारी नीति है, लोग इसके लिए एकजुट हो रहे थे। 16 अक्टूबर 1905 को जब पार्टीशन हुआ, शोक दिवस मनाया गया, लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी, नदियों में स्नान किया, अमार सुनार बांग्ला नाम के गीत का सृजन हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग बन गया। ये जो वंदे मातरम हमारा गीत है, ये नेशनल गीत ये बजाया गया, यहीं से शुरू हुआ था इस समय से, अमार सुनार बांग्ला इस समय पर हुआ, तिरंगा झंडा जो है उसकी शुरुआत हुई। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो उस समय पर इस आंदोलन ने हमें दी। इस आंदोलन ने हमारे भीतर जो है, हम लोगों के भीतर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया। इतिहास को दोबारा समझने की कोशिश की गई। भारत की जो पुरानी महान ऊंचाइयां थी, जो मैंने आपको कुछ समय पहले एक सवाल दिया था कि कला और संस्कृति का क्या ये है, रोल है, यही रोल है कि हमारा, हम इतिहास में इतने महान थे, हमारा लिटरेचर इतना महान था, हमारी सारी चीजें, संस्कृति इतनी बड़ी महान थी, तो हमें अपने ऊपर विश्वास पैदा होता है कि हाँ, हम जो है कुछ कर सकते हैं। किसी भी आदमी को कमजोर करने का सबसे आसान रास्ता है उसका विश्वास तोड़ दो, उसके उसको कमजोर कर दो मानसिक रूप से। तो हमने अपने सभी क्षेत्रों में, चाहे आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, साइंस, गणित, धर्म, संस्कृति, विज्ञान, कानून, फिलॉसफी, हर चीज में यहाँ से आगे काम करना शुरू किया। और इस तरह से ये हमारे राष्ट्रवादी उद्भव का एक महत्वपूर्ण बिंदु भी बन गया। मैनचेस्टर का कपड़ा था और लिवरपूल का नमक था, उसका बहिष्कार किया गया कि हम मैनचेस्टर का कपड़ा नहीं खरीदेंगे। वॉलेंटियर्स की समितियां बनाई गई, ग्रुप्स बनाए गए, समितियां बनाई गई, और इनमें से कुछ समितियां एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा भी रखती थी। एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा मतलब वो जो हिंसात्मक तरीके हैं उनका इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं करते थे। इन्हीं में से एक थी अश्विनी कुमार दत्त द्वारा बनाई गई स्वदेश बांधव समिति। क्या नाम है, नोट कर लीजिएगा, स्वदेशी बांधव समिति बंगाल में अश्विनी कुमार दत्त द्वारा बनाई गई। इसी समय पर तिलक, अश्विनी कुमार दत्त जैसे दूसरे मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट नेता भी पैदा हुए, शुरू हुए। एक्सट्रीमिस्ट नेता और वायलेंट नेता में थोड़ा सा फर्क है, शायद मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्सट्रीमिस्ट नेता होता है जो अतिवादी तरीके इस्तेमाल करने की, मतलब वहां पर थोड़े से गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अतिवादी होते हैं। और हिंसात्मक तरीके वाले लोग अलग होते हैं जो पूरी तरीके से अतिवाद, क्योंकि अतिवाद के अंदर भी एक लंबा हो सकता है। एक अतिवादी ऐसे हो सकता है भाई हम कुछ गैर कानूनी चीजें करें, किसी तरह से सरकार को कमजोर करें। एक अतिवादी तरीका ये भी हो सकता है कि हम उसको गोली मार दें। तो ये अतिवादी तरीकों के भी अपने अपने तरीके हो सकते हैं, सभी अतिवादी तरीके एक ही प्रकार की नीति को नहीं अपनाते। आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के जो नेता थे, ठीक है, उसमें जो लीडरशिप थी वो शुरू में मॉडरेट्स द्वारा जो की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्रा, पीसी रे, ऐसे लोगों ने की।
बाद में अजीत सिंह लाला लाजपत राय, इन्होंने ये इसकी लीडरशिप ली हमारे पंजाब के अंदर में। सैयद अहमद रजा दिल्ली में इस मूवमेंट की लीडरशिप कर रहे थे। चिदंबरम पिल्लई मद्रास में इसकी लीडरशिप कर रहे थे। जो विपिन चंद्र पाल थे, इस समय पर तीन महत्वपूर्ण नाम आते हैं, लाल, बाल और पाल। ये तीन महत्वपूर्ण नेताओं के नाम आते हैं, याद करने का भी असल अच्छा तरीका है। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल कहाँ से आते हैं, कौन से समय के, खास तौर में इस समय पर 1905 स्वदेशी आंदोलन में ऐसे तो महत्वपूर्ण नेता थे भारतीय राजनीति के, पर इस समय पर इनका जो स्टेचर है वो और ज्यादा ऊंचा हुआ। लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, और बाल बाल गंगाधर तिलक। थैंक यू। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ये तीन नेता हमारे महत्वपूर्ण नेता थे जो इस समय पर थे। तो विपिन चंद्र पाल पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को बता रहे थे। इसी प्रकार से तिलक, ठीक है, तिलक भी, बाल गंगाधर तिलक यही काम कर रहे थे। तो ये बाल पाल, लाल बाल पाल, इनका जो योगदान था वो और बड़ा हो गया इस आंदोलन के दौरान। पर ये जो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, इस स्वदेशी आंदोलन ने जहां हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत किया, परंतु उस राष्ट्रवादी आंदोलन में दो जो धाराएं थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की, नरम दल और गरम दल की जो विचारधारा थी, उनके बीच में भी एक खाई क्रिएट कर दी, उनके बीच में भी एक गैप क्रिएट कर दिया। 1906 के जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, 1905 में पहली बार ये प्रस्ताव पास किया गया, 1906 कलकत्ता अधिवेशन में, जिसमें दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बनाया गया, उसमें चार रेजोल्यूशन पास किए गए कि हमें अंग्रेजों से लड़ने के लिए ये चार चीजें करनी चाहिए। क्या है वो चार चीजें? पहली चीज बॉयकॉट, हम बहिष्कार करेंगे, है ना, ये चार रेजोल्यूशन पास किए गए। मतलब क्योंकि हमें अंग्रेजों से लड़ना था, और अंग्रेजों से आपको ऐसे तरीकों से लड़ना था कि पता चला वो आप पर देशद्रोह का मुकदमा लगा के सबको जेल में ना भेज दे, ये भी ध्यान रखना था। क्योंकि उस समय देशद्रोही, मतलब अगर आप किसी उसकी भर्त्सना भी करते हैं, आप गवर्नर जनरल को कुछ बोलेंगे भी, तो भी आप जो है देशद्रोह के भागीदार हो जाएंगे। तो उन्होंने एक नीति निकाली थी जो थी बॉयकॉट की नीति, बहिष्कार की नीति। दूसरी नीति निकाली थी जो हम आज काम कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन की, कि हमें शिक्षा पर काम करना चाहिए। हम लोग जो है हमेशा भारत में, इस बात के लिए थोड़ा सॉरी फील करता हूँ कि हमारा देश कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। हमारी शिक्षा के प्रति जागरूकता बहुत कम है, हमारी राजनीतिक या अन्य विषयों की जागरूकता कहीं ज़रूरत से ज़्यादा है, जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा है। हम बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों का, इन चीज़ों का केयर करते हैं जिनकी हमें नहीं करनी चाहिए, कि फलां आदमी कौन किसने कहा क्या बोला क्या नहीं बोला। हम राजनीति को एज एन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, ठीक है, परंतु हमारे देश में, समाज में, और विशेष रूप से वंचित समाज में शिक्षा को लेकर जागरूकता बहुत कम है। हम में से अधिकांश बच्चे जो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं वो ज़्यादा किसमें इंटरेस्टेड होते हैं, राजनीति में। मैं देखता हूँ हमारे गांव देहात के बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी, आप ग्रुप्स में भी देखेंगे इस व्यवहार को होते हुए, कि लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं है, तमाम तरीके की आलतू फालतू मैसेजिंग के लिए जागरूक हैं। ये वो मतलब एक दूसरे का उपर, हाँ जी, धर्म और राजनीति में ज्यादा रहती है आगे हैं। धर्म और राजनीति में हम पूरी तरह से लिप्त हैं। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि शिक्षा की कीमत जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपना देश का विकास नहीं कर सकते। खैर, अब जो लोग जैसा करें वो कर सकते हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। किसी के गलत रास्ते पर चलने से हमें अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए, तो हमें शिक्षा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन कह रहा है, ये बात मेरी नहीं है। हमें नेशनल एजुकेशन के लिए, देश की एजुकेशन के लिए एक नेशनल मूवमेंट चलाना चाहिए, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है। हमारे देश में इस समय हमारे देश की आधी आबादी 18 साल से कम है, 21 साल से कम है,
आधी आबादी हमारे देश की छोटे बच्चे हैं, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट का संकट है, जिनके पास शिक्षा का संकट है। हमारे पास ये राजनीति फाजनीति करने का टाइम नहीं होना चाहिए। हमारे को अगर कुछ करना है तो शिक्षा का एक आंदोलन चलाना चाहिए कि ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हमारे बच्चे गांव देहात में, आज ये कोरोना फैल गया है, ये स्कूल पहले तो चलते नहीं थे, वैसे ही कंडम हालात थे, अब जो कंडम हालात के स्कूल थे वो भी बंद हो गए। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर हमें राष्ट्र को बिल्ड करना है तो इस शिक्षा के आंदोलन को दोबारा खड़ा करना पड़ेगा। ठीक, तो नेशनल एजुकेशन की बात हमारे स्वदेशी आंदोलन में आज से 1905, आज से 116 साल पहले भी लोगों ने समझी थी, 110 साल 120 साल पहले भी समझी थी, भैया एजुकेशन होगी तो अपने आप धर्म राजनीति से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी चीज जो उन्होंने स्वीकार की कि स्वदेशी, हम बहिष्कार भी करेंगे और केवल अपनी चीजों को अपनाएंगे, स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे जो हमारे देश में बनी है, और पार्टीशन का जो विभाजन जो ये फूट डालो की नीति हो रही है इसका विरोध करेंगे, इसे कंडेम करेंगे। कंडेम करने का मतलब क्या होता है? भर्त्सना करना, खराब करना, निंदा करना, उसकी निंदा करना, निंदा करना। हम जहां भी मौका लगेगा हम बताएंगे कि पार्टीशन खराब है और क्यों खराब है, ये सभी लोगों को बताएंगे। अब इस इन रेजोल्यूशन को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, इस आंदोलन को एक ऑल इंडिया मूवमेंट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ये दो सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन गए। कुछ लोगों का कहना था कि इन्हें रिटेन किया जाना चाहिए, ये जो प्रस्ताव है ये चालू रहने चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, जो मॉडरेट्स थे वो कहते थे कि नहीं, अब हमें वापस अपनी स्थिति पे आ जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ से एक और मांग थी कि इस आंदोलन को, जो पार्टीशन मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट है, इसे ऑल इंडिया पैन इंडियन मूवमेंट बना देना चाहिए। तो ये दो मुद्दे थे जिन मुद्दों के ऊपर रिटेंशन ऑफ फोर रेजोल्यूशन एंड वेदर दिस मूवमेंट शुड बी अ पैन इंडियन मूवमेंट और अ लोकल मूवमेंट, इस विषय पर दोनों पक्षों में गहरा गंभीर टकराव यहाँ पर शुरू हो गया एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में। एक्सट्रीमिस्ट की राय थी कि हमें जो ये छोटी राजनीति है पार्टीशन और ये छोटे छोटे मामूली विषय से उठकर पूर्ण स्वराज्य के लिए, अपने स्वराज्य की मांग को उठाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए बजाय ये छोटे छोटे आंदोलन करने के। और यहाँ पर जो स्वराज की धारणा है वो सेल्फ रूल की धारणा थी, जैसी उस समय पर ब्रिटिश कॉलोनी विशेष रूप से आयरलैंड में इस तरीके का आंदोलन चल रहा था, होम रूल जैसा एक सेल्फ रूल का आंदोलन। ये ऐसे आंदोलन केवल भारत में नहीं थे, विदेशों में भी थे। आयरलैंड, ठीक है, एक इंग्लैंड के पास एक छोटा सा देश है आयरलैंड, वहां पर भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ उसके विरोध में एक बड़ा मूवमेंट चल रहा था, उसे होम रूल मूवमेंट बोलते हैं। वो लोग भी चाहते थे हमें स्वशासन मिलना चाहिए। तो ये जो कारण था, बाद में इसी कारणों पर, इन दो कारणों से कांग्रेस के अंदर में विभाजन हुआ। अब हम स्वदेशी आंदोलन की सफलताओं, भाई किसी का माइक्रोफोन ऑन है बंद कीजिए, हमारे स्वदेशी आंदोलन की जो सफलता है वो सफलता क्या है कि हमारे जो बाद के ट्रेंड्स निकल कर आए, चाहे तो मिलिटेंट नेशनलिज्म, बाद में हमारा, हमने जो है राष्ट्रवाद हमारे देश में और तेजी से फैला और ज्यादा उग्र तरीके से फैला, सोशलिज्म, समाजवाद की सोच, ठीक है, समाजवादी विचार कि हमें अपने रिसोर्सेस को लार्जर इंटरेस्ट, व्हाट इज सोशलिज्म, समाजवाद क्या होता है, समाजवाद, हाँ उसका मतलब क्या होता है समाजवाद का, कोई भी बताएगा? अपने साथ साथ दूसरों के भी हितों का ख्याल रखना। नॉट एग्जैक्टली, समाजवाद का मतलब होता है कि जो समाज के रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास रिसोर्स हैं, जो साधन हैं हमारे पास, उनको लार्ज आर्थिक सामाजिक दर्शन है सर,
जो रिसोर्स है, जो हमारे पास संसाधन है, जो भी संसाधन हो, चाहे पैसा हो चाहे नेचुरल रिसोर्स है, उनको कुछ लोगों के इंटरेस्ट में नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए. रिसोर्सेज शुड नॉट बी लिमिटेड टू फ्यू पीपल, बट रिसोर्सेज शुड ऑलवेज बी यूज्ड फॉर लार्जर इंटरेस्ट, है ना. लार्जर इंटरेस्ट में रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. कुछ लोग जैसे कैपिटलिज्म से विचार अलग होता है कि कैपिटलिज्म में जो जो विकास है वो कुछ ही लोगों के लिए है, ठीक है. एक आदमी अमीर बनता जाता है और वो ट्रिकल डाउन थ्योरी पे काम करता है, पर समाजवाद ऐसा चाहता है कि जो रिसोर्सेज है वो लार्जर इंटरेस्ट में काम करने चाहिए, और इसीलिए रिसोर्सेज पर कंट्रोल स्टेट का रहना चाहिए, राज्य का रहना चाहिए, ये समाजवाद. इसके साथ में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, ये हमारे स्वदेशी आंदोलन से शुरुआत हुई. स्वदेशी का मतलब हम अपने कंट्री की चीजों को वैल्यू करें, उनका उनका सम्मान करें, उन्हें इस्तेमाल करें. ये पहला जन आंदोलन, मास पार्टिसिपेशन का पहला आंदोलन बना. इस आंदोलन ने जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का जो मुद्दा था उसको एक और पॉइंट आगे बढ़ाया, जो आरसी दत्त और हमारे दादा भाई नौरोजी की रिसर्च थी, उसको लोगों को और आगे तक समझाया कि भाई इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है और हम उसको कैसे रोक सकते हैं. कई फैक्ट्रियों में स्ट्राइक की गई, स्ट्राइक्स आयोजित की गई, हड़ताल आयोजित की गई जहाँ काम होता था. महिलाएं और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बड़ी संख्या में, पहली बार महिलाओं और बच्चों ने किसी, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बड़ी संख्या में किसी आंदोलन में भाग लिया. नॉर्मली हम विमेन को ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि घर में से बाहर निकले, पर ये वो पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने और बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया. हमारे जन समुदाय में, आम जन में राजनीतिक चेतना आनी शुरू हो गई. और जो ये इस मूवमेंट का इफेक्ट था, ये केवल राजनीतिक तक नहीं रहा, इसका असर हमारे कला पर हुआ, लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस, इंडस्ट्री, हर क्षेत्र में इसका असर पड़ा. हर जीवन के जितने भी चीजें हैं उन सब पर असर पड़ा. जैसे कि स्वदेशी आंदोलन के लिए उस समय के अधिकांश स्कूल कॉलेज किसके द्वारा चलाए जाते थे? अंग्रेजों द्वारा. तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई अरबिंदो द्वारा, ठीक है. फिर इसके अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में बनाया गया. कई सारे गीतकार और राइटर्स प्रमुखता से आगे निकल कर आए, जैसे रजनीकांत सेन, मुकुंद दास, द्विजेंद्र लाल रे, इन सब ने कविता का के जरिए से, रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला की स्थापना की, बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना. अवनींद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, इन्होंने जो है एक नए तरीके की कला का, आर्ट, ठीक है, जो पेंटिंग कला होती है उसमें अपना एक नई शुरुआत की और टैगोर स्कूल की स्थापना की, ठीक है. उस समय पर कला में विक्टोरियन स्टाइल काम करता था, उसकी जगह पर टैगोर स्टाइल की स्थापना की गई, जिसमें मुगल आर्ट, राजपूताना आर्ट, अजंता आर्ट, इन सब का इस्तेमाल किया गया. भारत माता का जो चरित्र है, जो फोटो है जिसको आज हम देखते हैं, जिस पर काफी बार चर्चा भी होती है, ये पहली बार इसी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में पहली बार पिक्चर में आया. नंदलाल बोस, अभिनंदनाथ टैगोर के अलावा नंदलाल बोस, ठीक है, वो एक और आर्टिस्ट के तौर पर आए. पीसी रे, ना केवल आर्ट, साइंस, विज्ञान में भी इसमें तरक्की हुई, जैसे पीसी रे, जगदीश चंद्र बसु, ये ऐसे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट उभर के आए जो साइंस के क्षेत्र में भी भारत को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे. एक थे आचार्य पीसी रे, जिन्होंने बंगाल केमिकल फैक्ट्री नाम से एक भारत का नया एंटरप्राइज, तो मतलब एंटरप्रेनरशिप में भी इस समय पर शुरुआत हुई, अच्छी शुरुआत की गई, और ये सब चीज कहलाई बंगाल रेनेसां, बंगाल का पुनर्जागरण. बंगाल में एक नई सोच, एक नई विचार, एक नई चीज चालू हो रही थी, नए आइडियाज आ रहे थे.
इसी समय पर जो कई कई नए नए आइडियाज, नए मेथड्स ऑफ प्रोपेगेंडा भी लोगों के बीच आए कि किस तरीके से हम इसको और मजबूत कर सकते हैं। एक्सटेंडेड बायकॉट, ठीक है, जो बायकॉट बहिष्कार है वो स्कूल तक भी पहुंच गया, नौकरियों तक भी, विदेश अंग्रेजी वस्तुओं के अलावा स्कूल कॉलेजों का भी बहिष्कार किया जाने लगा। कुछ नेताओं ने जैसे तिलक, आदि जो हम गणेश चतुर्थी फेस्टिवल मनाते हैं, शिवाजी फेस्टिवल जो मनाते हैं महाराष्ट्र में दोनों, आज तो गणेश चतुर्थी पूरे देश में मनाया जाने लगा है, वो गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है उसको फैलाने का, जिससे लोग उसमें भाग ले सकें, उसको राजनीतिक आंदोलन के साथ जोड़ा गया गणेश चतुर्थी को। कला में फोक थिएटर, जो हमारा लोकल कलाएं हैं, ठीक है, जो आर्ट है, थिएटरिकल आर्ट है, जो नाटक वाली आर्ट है, उसमें भी वो हुआ यात्रा, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में नौटंकी है ऐसी बंगाल में एक यात्रा होती है, ठीक है, तो यात्रा जैसी चीज होती है, तो वो यात्रा का भी आगे फर्दर इस्तेमाल किया गया इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान। हमारे कई मुस्लिम नेता, सैयद हैदर रजा, अब्दुल रसूल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, लियाकत हुसैन, ये सब कुछ ऐसे प्रमुख नेता थे जिन्होंने, मुस्लिम नेताओं ने भी इस आंदोलन में अपनी भागीदारी आगे बढ़ चढ़ कर दिखाई। 1908 आते आते ये आंदोलन कमजोर पड़ गया और टूट गया, जिसके मुख्य कारण थे, 1905 में शुरुआत हुई, 1908 आते आते दो तीन साल बाद यह आंदोलन कमजोर हो गया, लोग इससे थक गए। और उसके क्या कारण थे, सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस के भीतर अपना झगड़ा, ठीक है, कांग्रेस के भीतर एक स्प्लिट हुआ जिसको हम सूरत स्प्लिट बोलते हैं, है ना, कांग्रेस में फूट पड़ गई, सूरत का विभाजन कांग्रेस में हुआ। जो सूरत में अगला अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन जिसमें रास बिहारी घोष हमारे प्रेसिडेंट थे, उस अधिवेशन में जो ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की जो लड़ाई चली आ रही थी, पिछली बार तो दादा भाई नौरोजी के कारण से ये लड़ाई जो है पीछे हो गई, लोग थोड़े समय के लिए रुक गए, परंतु उसके बाद ये लड़ाई अपने चरम पर पहुँच गई और जो ये कांग्रेस के अंदर में पहली फूट पड़ी। इसके अलावा तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनको 6 साल के लिए 1908 में जेल भेज दिया गया, लंबे समय के लिए जेल भेज दिया गया, तो लीडरशिप क्राइसिस शुरू हो गया। अश्विनी कुमार दत्त जो इसके नेता थे, उनको डिपोर्ट कर दिया गया, उनको तड़ी पार कर दिया गया। तड़ी पार उम्मीद है समझते होंगे सब लोग, ठीक है। Yes, sir. विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष जैसे जो महत्वपूर्ण नेता थे, उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, राजनीति को छोड़ दिया, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष ने। अच्छा, लोग ब्रिटिश का भी सर दमन जाना था, हाजी, ब्रिटिश के द्वारा दमन कार्यनीति जरा किया गया था, वो तो एक कारण है ही, पूरा गवर्नमेंट केम हैवी डाउन बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके कारण जो है ना, ये मूवमेंट अपने इनर्शिया के कारण भी फेल हुआ। लोगों के लिए देखो, हम बहिष्कार की जब मांग करते हैं तो बहिष्कार की मांग लंबे समय तक नहीं चल सकी, क्योंकि जो फॉरेन गुड्स हैं, विदेशी वस्तुएं हैं, उनका बहिष्कार लंबे समय तक नहीं चल सकता था, क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स की सप्लाई नहीं थी। जो मान लीजिए हमने कपड़े का कहा कि कपड़ा हम त्याग देंगे, हम विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, तो अब हमें देसी कपड़ा मिलना तो चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कपड़ा ना पहने, पर क्योंकि देश के अंदर में कपड़े का उत्पादन हो नहीं रहा था, तो इसलिए लोगों को बहिष्कार की नीति से वापस आना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई, आर्थिक नुकसान भी हुआ, लोगों के जॉब चले गए, ये सब कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण ये आंदोलन कमजोर पड़ गया। इसके अलावा सरकार ने भी बहुत दमनकारी नीति अपनाई, छात्रों को निकाला, जो लोगों ने भाग लिया था उन लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया इस तरीके के, और तमाम लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे जिसके कारण ये स्वदेशी आंदोलन कमजोर पड़ गया।
कुछ और स्वदेशी आंदोलन की अगर क्रिटिसिज्म की बात करें, क्रिटिसिज्म मतलब इसकी क्या चूक हुई, क्या इसमें कमियां रही अगर इनकी बात करें, तो नंबर एक, इसने जो दक्षिण भारत था, दक्षिणी भारत के राज्य थे, वो टच भी नहीं हो पाए, ठीक है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये राज्यों में बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ा। दूसरा इसका जो शॉर्ट कमिंग था कि ये जो हमारी पीजेंट क्लास है, जो हमारा किसान वर्ग है, वो इस आंदोलन से कभी नहीं जुड़ पाया, और ये आंदोलन मुख्यतः एक मिडिल क्लास मूवमेंट बनकर ही रह गया, ठीक है, मध्यम वर्गीय मूवमेंट रह गया, शहरों में सीमित रहने वाला आंदोलन बन गया, आम आदमी जो किसान है वो कभी इस आंदोलन से जुड़ नहीं पाए। चौथी कमी कि हमारे जो मुस्लिम भाई थे, जो वो बड़ी संख्या में लीडर्स तो उनके कुछ जुड़े, पर मुस्लिम ब्रदर्स को हम बड़े नंबर्स में नहीं जोड़ पाए इस आंदोलन के साथ। और साथ साथ इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना ने इसको और कमजोर किया कि मुस्लिम एक अलग आइडेंटिटी है, मुस्लिम धर्म एक अलग पहचान है, एक अलग राष्ट्रीयता है, ऐसी सोच, ऐसी विभाजक सोच की शुरुआत हुई। अच्छा, ये जो अप्रोच थी, ये भी एक क्रिटिसिज्म है इसका कि जो हमारी स्वदेशी आंदोलन की जो अप्रोच थी, इस अप्रोच में कुछ चीजें ऐसी की गई जो प्योरली रिलीजियस थी, पूरी तरीके से धार्मिक थी, सेक्युलर नहीं थी। कई ऐसी नीतियां इसमें अपनाई गई, जैसे कि राखी बांधना, अब राखी बांधना मुख्यतः एक धर्म की रीत है, दूसरे धर्म की शायद और धर्मों की रीत ना हो, ठीक है, गंगा स्नान, ठीक है, गणेश चतुर्थी और ये सब चीज। अब आप अगर मूवमेंट को ऐसे चीजों से बांध देंगे, जोड़ देंगे, तो बाकी जन समुदाय उससे जुड़ने में, धर्म से जोड़ देंगे किसी भी कॉमन मूवमेंट को, राष्ट्रीयता को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, राष्ट्रीयता को धर्म से अचीव नहीं किया जा सकता, राष्ट्रीयता के लिए हमें सेक्युलर मतलब गैर सांप्रदायिक सोच को लेकर चलना ही पड़ेगा, ये हमें समझना होगा। परंतु ये भूल इस स्वदेशी आंदोलन से हुई, लोगों को कोशिश मतलब जो इसकी बेशक इंटेंशंस बहुत अच्छी थी, परंतु जो इसका आउटकम था वो उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि सबसे पहले इसमें जो हिंदू पद्धतिज थी, हिंदू इमेजेस थी, हिंदू आइकनोग्राफी थी, जैसे भारत माता का भी जो कॉन्सेप्ट है, भारत माता की पूजा का भी जो कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली एक हिंदू कॉन्सेप्ट है। अब उसको उससे बहुत सारे विशेष रूप से मुस्लिम, क्योंकि भारत में उस समय पर दो मुस्लिम, दो धर्म प्रमुख धर्म थे भारत के अंदर में, हिंदू और मुस्लिम, तो मुस्लिम समुदाय इस आइकोनोग्राफी से, इस सिंबोलिज्म से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाया, और उसको ऐसा लगा कि ये जो आंदोलन है ये किसी एक धर्म विशेष का आंदोलन है, तो उसका आम जन इस आंदोलन से नहीं जुड़ पाया। कुछ लोग जुड़ पाए, परंतु अधिकांश लोग उससे नहीं जुड़ पाए। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो इस प्रकार से हमारा स्वदेशी आंदोलन खत्म हुआ। अब स्वदेशी आंदोलन, परंतु स्वदेशी आंदोलन के साथ एक पैरेलल धारा, एक और धारा लगातार चलती रही। वो लगातार चलने वाली धारा थी हमारे देश में जो मिलिटेंट नेशनलिज्म, यह अतिवादी राष्ट्रवाद, ये अतिवादी राष्ट्रवाद या मिलिटेंट नेशनलिज्म क्या है सर? मिलिटेंट नेशनलिज्म को रिवॉल्यूशनरी भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल, मतलब उसमें उग्रवाद को जोड़ सकते हैं, उग्रवाद, उग्रवाद को कह सकते हैं आप। देखो, हाँ, जिसे कह सकते हैं ना, एक आदमी का आतंकवादी दूसरे पक्ष का देशभक्त होता है, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। जो आदमी एक, जिसको हम एक तरफ से उग्रवादी कह रहे हैं, ये यहाँ पर ये डिफरेंस करना शुरू हमें समझना होगा। तो
तो जो ये उग्र अप्रोच, कई लोग इस अप्रोच से, एक आम जन जो है, और कभी कभी वो अप्रोच ठीक भी है कुछ हद तक, जैसे हमारे कुछ लोग हैं, हम लोग पैसिफिक पॉलिसीज अपनाना चाहते हैं, और एक बहुत बड़ा भेद है, और बीइंग, मैं फिर इस पर बुद्ध को कोट कर सकता हूँ पर नहीं करूँगा अभी, पैसिफिक अप्रोच कि हमें जो है पिटीशन के जरिए से, प्रार्थनाओं के जरिए से, चिट्ठियों के जरिए से, निवेदन करके, और सर मॉडरेट्स का 3 P's था सर, प्रोटेस्ट, पिटीशन और एक था प्रेयर। प्रेयर, ठीक है। तो अब इन 3 P's से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। सरकार के लिए 3 P कोई बहुत उसको है विचार, ये 3 P लोगों के भीतर, जन समुदाय के भीतर आप जागरूकता के लिए तो काम कर सकते हैं, जन समुदाय में जागरूकता के जन्म के लिए तो काम कर सकते हैं, परंतु इन 3 P से, प्रेयर से, ठीक है, इनसे हम ये काम नहीं कर सकते, प्रेयर, प्रोपेगेंडा एंड पिटीशन, इनसे ये काम नहीं कर सकते कि हम सरकार को ज़्यादा तकलीफ दे पाएंगे, सरकार के लिए ठीक है कर दे रहे जो करना है, परंतु जो है कई लोग इनसे असहमत हैं, और कई लोग चाहते हैं कि नहीं, हमें ज़्यादा उग्र तरीके, और उग्र तरीकों में क्या हो सकता है, हिंसात्मक तरीके भी हो सकते हैं, कि हमें कुछ ऐसे मिलिटेंट तरीकों को अपनाना होगा जिससे हम इन अंग्रेजों को कमज़ोर कर सकें, इन विदेशी ताकतों को कमज़ोर कर सकें, और अपने देश को एकजुट कर सकें, क्योंकि अब हमारे ऊपर भाई ये वो काबिज हैं, अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इन्हीं तरीके के विचारों को फैलाने के लिए मिलिटेंट नेशनलिज्म जो वायलेंट नेशनलिज्म है उससे अलग है, समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे वो उससे अलग है। जैसे तिलक, अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है, बिपिन चंद्र पॉल, अरविंदो घोष, ये कुछ ऐसे नेता थे जो इस प्रकार के मिलिटेंट नेशनलिज्म से जुड़े हुए थे, ठीक है। मिलिटेंसी उस समय पर, मिलिटेंसी का मतलब ये भी है कि यदि आप देश के बारे में, राज्य के बारे में कि अंग्रेजी सरकार बुरी है, अगर मैं ये कह दूंगा तो भी ये एक राष्ट्रद्रोह की बात है, और ये मिलिटेंट नेशनलिज्म होगा कि मैं अगर उसकी कमियां भी गिनाने लगूंगा तो वो जो है ये एक नकारात्मक बात है, मैं कहूँगा कि ये आदमी गलत है, ये हमारा को नुकसान पहुँचा रहा है, ये चोट पहुँचा रहा है, तो अपने आप में ये भी एक प्रकार का देशद्रोह है। तो इस प्रकार के जो प्रोपेगेंडा को फैलाना, मिलिटेंट नेशनलिज्म के प्रोपेगेंडा को फैलाने में तिलक, अश्विनी कुमार दत्त, और जो एक्सट्रीमिस्ट तरीके प्रमोट करना, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, ये सब लोग, लाल बालपाल जैसे हमने भी डिस्कस किया था, ये सभी हमारे राजनेता इसके लिए जो है इस ओर इच्छुक थे। और लोकल लेवल पर भी इस तरीके की पॉलिटिक्स, रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स से अलग मिलिटेंट नेशनलिज्म की पॉलिसी को अपना रहे थे। इसके कारण क्या थे, क्यों हमारे देश में ये मिलिटेंट नेशनलिज्म अपने लिए जगह बना रहा था, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे, अब तक जो 1905 तक हमारे देश के शासन का, जो शासन कह रहा हूँ, जो हमारे देश में कांग्रेस बनाई गई, और जो स्वतंत्रता संग्राम है, उस स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर मॉडरेट लीडर्स के पास थी, नरमपंथी नेताओं के हाथ में थी, और वो नरमपंथी नेता जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पा रहे थे। वो केवल डिमांड करने के, ये जैसा बोला इन्होंने, 3 P से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और इसका अंग्रेजी नीतियों पर किसी प्रकार का कोई विजिबल इम्पैक्ट नहीं था, मतलब एक जो सीधा असर, दिखाई देने वाला असर नहीं पड़ रहा था। और जो उनका विश्वास था, जैसा मॉडरेट सोचते थे कि नहीं ये लोग बदल सकते हैं, लोगों को समझ आ रहा था कि ऐसा नहीं है, ये रिफॉर्म नहीं हो सकते, जो अंग्रेजी सत्ता है उसका उद्देश्य शोषण करना है, तो शोषण से कभी पीछे नहीं हटेगी। इसमें एक और कारण हम जोड़ लेते हैं, जो कर्जन जो लॉर्ड कर्जन थे, उनका एक स्ट्रॉन्ग एंटी कांग्रेस अप्रोच था, उनका एक फेवरेट स्टेटमेंट भी है जो हमने शायद पहले डिस्कस भी किया है, दैट इट विल बी माई हार्टफुल डिजायर टू सी दी पीसफुल डिमाइज ऑफ कांग्रेस,
ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने समय काल में कांग्रेस का शांतिपूर्ण खात्मा देख सकूं। तो कांग्रेस के खिलाफ मधव करजन, उसकी फिर जो डिवीजन की नीति, पार्टीशन की नीति थी। दूसरा कारण था, जो इस समय पर कांग्रेस थी उसमें ज्यादातर या तो जमींदार थे या उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे, एलीट सेक्शन जो बहुत अब बड़े बड़े तबके थे वो सभी उसको जो है लीड करते थे, वही उसके नेता थे। तो आम जन जो अदर सेक्शन थे, लोअर मिडिल क्लास थे, वो कहते थे कि नहीं, ये किसी काम की नहीं है, ये कुछ नहीं करेगी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसको बोला था, कांग्रेस इज अ 3-day annual show, 3-day annual show, जो कांग्रेस की मीटिंग होती है जो दिसंबर के अंत में होती थी, हर साल दिसंबर के अंत में ये मीटिंग होती थी, तो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, 3-day annual show, 3 दिन का नाटक, राष्ट्रीय नाटक, ये हमें बोला। मतलब कि ड्रामेबाजी करते हो, करना धरना कुछ आपने है नहीं, आप कुछ कर पाओगे नहीं, तो आप केवल जो है ये फालतू का नाटक कर रहे हो, ऐसा उपहास के, सटायर के तौर पर कांग्रेस के लिए कहा गया। फिर अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1852, 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। ये भी पूरी तरीके से लोगों को अपेक्षाएं थी इस कानून से, परंतु इसमें हमें किसी तरीके का कुछ नहीं मिला। तो इन सब ये कुछ कारण है, ये ऐसे राजनीतिक कारण हैं जिन्होंने हमारे देश में जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है, जो अभी तक मॉडरेट के हाथ में था राष्ट्रवाद, अब वहां से आगे निकलकर एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, एक्सट्रीम मेथड्स की ओर बढ़ने लगा। दूसरा काम है, जो कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही थी, जो कारण है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बड़ी सारी हो रही थी, जैसे कि जापान के द्वारा रशिया को हरा देना, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। 1905 में एक वॉर हुआ, इंडो जापान वॉर, और अब से पहले तक जो ब्रिटिश लोग थे या जो यूरोपियन लोग थे वो अपने आप को वाइट मैन वाला एक अप्रोच देते थे कि हम जो वाइट लोग हैं वो हम आपसे श्रेष्ठ हैं, यूरोपियन लोग रेशियली बाकी लोगों से सुपीरियर हैं, हमारी जो नस्ल है वो आपकी नस्ल से बेहतर है। तो ये बात लोग भी मानते थे कि ठीक है जी, सही कह रहे हैं आप लोग शक्ति में हैं। पर ये चीज में एक बहुत बड़ा धक्का तब लगा जब जापान ने, जो एक छोटा सा एशियन देश था, उस एशियन देश ने एक बहुत बड़े रशियन देश को, रशिया बहुत बड़ा देश है आप सभी जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, एक बड़ी शक्ति हुआ करता था, उस देश को जापान द्वारा हरा दिया गया। तो जापान ने जब रशिया को हराया तो ये जो मिथ था, ये जो मिथ फैलाया गया था, भ्रम फैलाया गया था कि जो सफ़ेद लोग हैं, गोरे लोग हैं, ये एशियन लोगों से श्रेष्ठ हैं, इस मिथ को हवा में उड़ा दिया गया। दूसरी तरफ इटली की आर्मी इथोपियंस द्वारा हरा दी गई, इथोपिया द्वारा इटली की आर्मी को हरा दिया गया। इन दोनों ने जो वेस्टर्न सुप्रीमेसी, जो पश्चिम के देश, यूरोप के देशों की सुप्रीमेसी थी, उसका खात्मा कर दिया। एक और घटना घटी, रशिया के अंदर में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे थे, क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, आयरलैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। तो इन सब की जो खबरें हमारे तक आ रही थी, इससे भी भारतीय नेशनलिस्ट और इंस्पायर हो रहे थे, और ये दोनों मूवमेंट, रशिया और आयरलैंड के मूवमेंट, ये एक्सट्रीमिस्ट मेथड में बिलीव करते थे, मिलिटेंट मेथड में बिलीव करते थे। इसके अलावा बोअर वॉर ने भी हमारे, ये कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रवादियों को और मजबूत किया और उन्हें एक्सट्रीम मेथड इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। एक और कारण है मिलिटेंट नेशनलिज्म को इस्तेमाल करने का, कि जितने बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेता थे उनको जेल भेज दिया गया, जैसे लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, इनको डिपोर्ट कर दिया गया, के मित्रा, अश्विनी कुमार दत्त को 1908 में डिपोर्ट कर दिया गया, तिलक को 6 साल की सजा केवल राष्ट्रद्रोह का एक मुकदमा लगाकर उनको 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जो विदेशी शासन है
वो अब लोगों के दिमाग में समझ आ रहा था। और खास तौर में जो अकाल हो रहे थे 1850 से 1900 के बीच में बड़े विभत्स अकाल हुए, टू दी एक्सटेंट कि 3 करोड़ लोग यानी कि उस समय की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, करीब 10 से 15% आबादी, इतना बड़ा नंबर है ये, इतने लोग मारे गए। ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, इसकी भी मैंने चर्चा की है, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट आया, इसने भी जो प्रेस की फ्रीडम है उसको और सीमित कर दिया। नाटू ब्रदर्स, ठीक है, नाटू ब्रदर्स लीडर थे तो उनकी उनको अरेस्ट किया गया। तो ये ऐसे कुछ घटनाक्रम थे जो घटनाएं जिन्होंने भारत के अंदर में मिलिटेंट नेशनलिज्म को बढ़ाया। जो पॉलिटिकल एजुकेशन थी, ठीक है, इसने ये एहसास दिलाया कि जो ब्रिटिश शासन है ये भारत के लिए नहीं है, ये भारत के हित के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कुछ और ही है, इसका उद्देश्य भारत का शोषण है, ठीक है, इससे भारत का कोई हित नहीं है। और ये जो वाइट मैन बर्डन थ्योरी है, इसको जरूर समझ लीजिएगा, वाइट मैंस बर्डन, अगर कोई मुझे समझा देगा तो, मैंने वैसे 2-3 बार क्लास में भी डिस्कस किया है, अगर आप मुझे इसे समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत फेवरेट सवाल है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सबको समझना चाहिए कि कैसा मिथ, वाइट मैन बर्डन का मिथ फैलाया गया। बताएं कोई अगर बता सके कि वाइट मैन बर्डन क्या होता है? गोरे और काले का विरोध किया। नहीं सर, वो जो गोरे लोग थे वो मतलब वो समझते थे कि उन्हीं का मतलब सब पे ये है, कंट्रोल है, मतलब वो चाहते थे कि सब उन्हीं के अंडर में रहे। हाँ सर, ब्रिटिशर्स इंडियंस को सर अनसिविलाइज्ड समझते थे, सर उनको सुधारना चाहते थे, मॉडर्न बनाना चाह रहे थे, तो उसको बर्डन समझते थे। नहीं, बर्डन नहीं समझते थे, वो कहते थे ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, बर्डन का मतलब बोझ नहीं है, यहाँ बर्डन का मतलब सफेद व्यक्तियों का बोझ, जिम्मेदारी है, ये उनका भार है, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक भार है, ये जो भार है ना वाइट मैन बर्डन, ये बर्डन नहीं है, इट्स नॉट बर्डन, इसको क्वालिफाई करो वाइट मैन्स मॉरल बर्डन, ये मेरा नैतिक भार है। सफेद लोग आपस में, गोरे लोग आपस में ये कहते थे कि हमारा यहाँ पर शासन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी नैतिक भार है कि हम इनको सिविलाइज करें, ये तो अनसिविलाइज्ड लोग हैं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, तो हम इन पर शासन कर कर इन्हें अपना गुलाम बनाकर इनके ऊपर बहुत एहसान कर रहे हैं, ये बात लोगों को समझाई जाती थी, ये नैरेटिव था, और ये नैरेटिव लोगों को समझ आता था, उन्हें भी लगता था कि हाँ यार ये बात सही है, भारतीयों को भी ऐसा लगता था, परंतु ये जो मिथ था ये धीरे धीरे भारतीयों के मन से निकल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गोरे लोग हमारे किसी भलाई के लिए नहीं आए हैं, ये तो हमारे शोषण के लिए आए हैं, ये हमारे भीतर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं, हमारा उत्पीड़न करते हैं। अच्छा, भारतीय जो है थोड़ी थोड़ी एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे और अनएम्प्लॉयड भी थे, तो ये भी उन्हें वास्तविकता से परिचय करा रहा था। जो हमारा एजुकेटेड इंडियन तबका था, आपके जैसा तबका था, वो टॉर्च बियरर बना, ठीक है, वो आगे चलकर इस आंदोलन को आगे लीड करने वाला था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में विवेकानंद जी की एक सेइंग है, द ओनली होप फॉर इंडिया इज फ्रॉम मासेस, द अपर क्लास आर फिजिकली एंड मॉरली डेड। भारत में हमें केवल यहाँ के जन समुदाय से, आम जन से अपेक्षाएं हैं। जो यहाँ का अपर क्लास है वो पूरी तरीके से, जो पैसे वाला तबका है वो पूरी तरीके से नैतिक रूप से मरा हुआ है, ये हमारे विवेकानंद जी का कथन है हमारे अपर क्लास सेक्शंस के लिए, और आज भी मुझे लगता है कि ये रिलेवेंट है। अगर हमें समाज में कुछ बदलाव देखना है, कुछ भी बदलना है, तो जिम्मेदारी मासेस की है, आम जन की है ना, ऐसे आप जैसे बच्चों की है, जो वंचित तबका है उसकी है, उसे ये देखना है कि हाँ मेरे देश में ये राष्ट्रवाद फैले, राष्ट्रवाद को पहुँचाना लोगों तक, शिक्षा को पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा पुलिस की एक्टिविटीज ने भी बहुत लोगों को
दुखी किया। इमीडिएट कॉज बंगाल का पार्टीशन, या क्लियर है कि बंगाल के पार्टीशन ने जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज थी उनके लिए रास्ता खोल दिया। दिल्ली के अंदर में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, इससे भी लोगों में यहाँ गुस्सा बढ़ा। बर्मा वॉर, ठीक है, बर्मीज वॉर, बर्मा के साथ युद्ध ने इस चीज़ को भड़काया। अब जो हमारे अर्ली मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे 1905 के बाद के जो नेशनलिस्ट थे, उनके क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। हर आदमी की कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग होती है, कुछ ना कुछ फेलियर होता है। और इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? पास्ट के फेलियर से प्रेजेंट में अच्छा कर सकते हैं, पास्ट के फेलियर से प्रेजेंट को बेहतर करने के लिए। इतिहास को पढ़ने का एक ही मूल उद्देश्य है कि हम सीखें। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? सीखने के लिए, क्योंकि जो कुछ इतिहास में हो चुका है हम उससे कुछ नया सीखें और ये समझें कि हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम क्रिटिसिज्म या फेलियर्स पढ़ें, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यार उन लोगों की कमी, अरे उनको पता ही नहीं था कि वो क्या गलत कर रहे हैं, पर हमें पता है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे सीखें और उन गलतियों को ना दोहराएं। गलती करने में कोई दिक्कत नहीं होती, गलती को दोहराने में। तो जिन्होंने गलती की उनकी दिक्कत नहीं है, हम लोग जो आज बैठ के गलतियों को दोहरा रहे हैं वो गलत हैं। तो हमारा जो ये अर्ली नेशनलिस्ट थे, ये राष्ट्रवादी आंदोलन को किसी एक विशेष दिशा देने में फेल हुए, ये मासेस में आम जन तक पहुंचने में फेल हुए। जो की लीडरशिप थी, मुख्य नेतृत्व था, उसको जेल में भेज दिया गया और इससे ये आंदोलन कमजोर पड़ गया। की रैलिंग पॉइंट, ठीक है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, बाद में इसको वापस ले लिया गया, राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। इससे जो मुद्दा था, जो मुख्य मुद्दा जहां से ये सारी चीज़ इशू शुरू हुआ था, वो ख़त्म हो गया। इस समय पर एक और घटना घटी 1906 में, मुस्लिम लीग की स्थापना। जो मुस्लिम समुदाय था, मुस्लिम समुदाय भी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो रहा था। उसे ये मालूम था कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, जो नौकरियां हैं, उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, हमें प्रतिनिधित्व के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। राजनीतिक पार्टिसिपेशन मुस्लिम समुदाय का नहीं है, तो इसलिए ये होना चाहिए। इसकी शुरुआत कुछ जमींदारों द्वारा और जो वेल ऑफ मुस्लिम्स हैं उनके द्वारा की गई, जो कि हिंदुओं में भी लगभग वैसी ही चीज़ की गई। कांग्रेस भी ऑलरेडी, कांग्रेस एक्चुअली में हिंदू नहीं है, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम शब्द इस्तेमाल करना भी गलत होगा कांग्रेस के संदर्भ में। पर यहाँ पर जो है, जो बेहतर, कोई भी तबका जो बेटर ऑफ होता है, वही तबका ये नैरेटिव शुरू कर पाता है। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई अंडर आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका और नवाब मोहसिनुल मुल्क ऑफ ढाका। इन तीन लोगों के द्वारा, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिनुल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ये लोग पार्टीशन का को सपोर्ट करते थे और स्वदेशी आंदोलन का विरोध करते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग मुस्लिम लीग द्वारा की गई। किसी क्लास में हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट, ये क्या था और कैसे इसने फर्क डाला। जो मुस्लिम लीग के जो उद्देश्य थे वो क्या क्या थे? मुस्लिम लीग के जो प्रमुख उद्देश्य थे, नंबर एक, टू प्रमोट लॉयलिटी टुवर्ड्स ब्रिटिश, ठीक है, क्योंकि इस समय पर हर कोई अंग्रेजों के फेवर में रहना चाहता था। हर जो भी रईस तबका था वो अंग्रेजों के फेवर में ही रहना चाहता था, क्योंकि अंग्रेजी शासन था, तो कोई भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़के नहीं लाना चाहता था। तो वो चाहते थे कि हम ब्रिटिश के टुवर्ड्स लॉयल रहें। और जो मुस्लिम्स के राजनीतिक और अदर इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा जो एक दूसरे धर्म के भीतर, एक दूसरे धर्म के लिए जो हॉस्टैलिटी है, जो हमारी नफरत है, उसे खत्म किया जाए, कम किया जाए। तो मुस्लिम लीग वॉज नॉट अ कॉम्युनल पार्टी, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं था। वो ये चाहता था कि मुस्लिमों का हित का ध्यान रखा जाए, पर मुस्लिम लीग ये कभी नहीं चाहती थी कि भाई हमें जो है एक दूसरे के प्रति नफरत का फैलाना है।
अच्छा, इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना हमने चर्चा भी की, सूरत स्प्लिट की। ठीक है, सूरत स्प्लिट जो हमारे चार रेजोल्यूशन पास किए गए थे बंगाल पार्टीशन के समय पर, उनको लेकर और ऑल इंडिया इसको एक आंदोलन बनाने के लेकर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे उनके बीच में मतभेद था। ये मतभेद और गहरा होता गया स्वदेशी आंदोलन के दौरान। 1906 में इस कन्फ्रंटेशन को, इस झगड़े को बचाए रखने के लिए दादा भाई नौरोजी को लीडर बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया कि दादा भाई नौरोजी इसको प्रिजाइड करेंगे, जिससे कि ये दोनों मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में झगड़े नहीं। ठीक, तो ये इसमें ये चार रेजोल्यूशन पास किए गए जिसकी हमने अभी बात की गई थी, कंडेमिंग पार्टीशन, बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट और एजुकेशन पॉलिसी को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रमोट करना, ये कुछ मुख्य वो थे। अब पर 1907 आते आते परिस्थितियां बदली और जो मुस्लिम और जो हिंद एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे उनके बीच में झगड़ा और बड़ा हो गया। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इन चारों रेजोल्यूशन को कंटिन्यू किया जाए और पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाया जाए, पर मॉडरेट चाहते थे कि ये रेजोल्यूशन अब ख़त्म किए जाने चाहिए और आंदोलन को कहीं नहीं रखा जाना चाहिए, बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर झगड़ा हुआ। मॉडरेट्स जो है किसी खास तरीके की कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सके थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इम्पेशेंट हो रहे थे। तो ये कुछ जो स्वदेशी आंदोलन को लेकर दोनों पक्षों में असहमति हुई और इससे जो है ये सूरत स्प्लिट का रास्ता शुरू हो गया। इसी समय पर जो एक्सट्रीमिस्ट पक्ष था, जो अतिवादी पक्ष था, वो और ज़्यादा मजबूत हो गया था। जैसा हमने पहले जिक्र किया कि रशिया को जापान के द्वारा हराए जाने के से और इटली की फौज को इथियोपियन फौज द्वारा हराए जाने का बहुत बड़ा मानसिक प्रभाव पड़ा लोगों के दिमाग पर, जो इनविंसिबिलिटी की यूरोपियंस को कोई हरा नहीं सकता, जो पश्चिमी ये जो यूरोपियन लोग हैं गोरे लोगों को हराया नहीं जा सकता, ये जो एक भ्रम फैला हुआ था ये भ्रम उस समय फिर टूट गया। लोगों को अपेक्षाएं थी कि जो मौले हैं वो हमारे लिए कुछ करेंगे, परंतु वो कुछ भी देने में संभव नहीं रहे। और यहाँ पर एक झगड़े का कारण ये भी था कि जो एक्सट्रीमिस्ट पक्ष था वो ये चाहता था कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक में से कोई प्रेसिडेंट बनना चाहिए, जबकि मॉडरेट चाहते थे कि राज बिहारी बोस जो है वो बने, प्रेसिडेंट बने। जो ये अधिवेशन होना था ये नागपुर होना था, परंतु इसको सूरत में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे कि बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट ना बन सके, क्योंकि ये एक चलन था कांग्रेस में कि जो जिस राज्य का में अधिवेशन होता था वहाँ का आदमी जो है वो नहीं बनता था। तो उस समय पे महाराष्ट्र एक कॉमन क्षेत्र था, तो सूरत में होने से ये फायदा था कि बाल गंगाधर तिलक को नहीं बनाया जाएगा, इसलिए नागपुर में इसको इसका स्थान बदल दिया गया। और उस दिन भर को जो ये झगड़ा हुआ, आपस में लड़ाइयाँ हुई एक दूसरे से और कांग्रेस का जो बंटवारा हो गया, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को मॉडरेट लोगों के द्वारा बाहर निकाल दिया गया, उनको जो है अलग कर दिया गया। इसके अलावा तिलक जो है जेल चले गए थे 6 साल के लिए, तो लीडरशिप क्राइसिस भी हो गया और बाद में अरविंदो घोष ने रिटायरमेंट ले ली, तो ऐसे कुछ घटनाक्रम हुआ जिसने इसको पूरी तरीके से मजबूत और कमजोर किया। मौले मिंटो रिफॉर्म, मैं चाहूँगा कि मौले मिंटो रिफॉर्म हम कल करें, आज नहीं करते, जल्दी में करने वाली चीज़ नहीं है, इससे बहुत सवाल आते हैं। समय हमारा पूरा हो चुका है, 10:33 हो चुके हैं, तो हम कल या अगली क्लास में, कल शायद मैं क्लास नहीं लूँगा आपकी, कौन क्लास लेगा वो सूचना आप तक दे दी जाएगी। क्लास जो है सुबह 9:30 स्टार्ट होगी,
या कोई और चेंज होगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सूचित किया जाएगा। क्लास का लिंक वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। सुबह 9:30 बजे और 8 बजे वो जो कार्यक्रम हमारा होता है सशक्तिकरण वाला, आप उसमें ज्वाइन करना चाहें आपका स्वागत है। कल की क्लास मैं नहीं लूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि इस चैप्टर को पढ़ लें, 5वां चैप्टर आप लोग पढ़ लें ताकि हमें जल्दी जल्दी इन सारे टॉपिक्स को हम खत्म कर सकें। आपका धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके जी।